महोदय श्री रघु शर्मा जी, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी, माननीय चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय श्री सुभाष गर्ग जी, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय श्री भंवर सिंह भाटी जी, माननीय युवा एवं खेल राज्य मंत्री महोदय श्री अशोक चांदना जी, आदरणीय मुख्य सचिव महोदय, समस्त प्रमुख शासन एवं सचिव सचिवगण, SMS मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर भंडारी जी, डॉक्टर राजा बाबू जी, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी, समस्त माननीय जनप्रतिनिधिगण एवं समस्त जिला कलेक्टर साहिबान और उनकी समस्त जिला लेवल की टीम, समस्त सिविल सोसाइटी, NCC, NGO, NSS के प्रतिनिधिगण और इस VC से जुड़े समस्त नागरिक बंधु, प्रदेश के वैक्सीन कार्यक्रम में सहभागिता बढ़ाने के लिए आयोजित इस VC में मैं सभी का स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा राज्य में 16 जनवरी को COVID-19 वैक्सीनेशन प्रारंभ किया गया। मुझे सभी को यह बताते हुए बहुत खुशी है कि राजस्थान में कल तक 2 करोड़ से अधिक के कोविड टीकाकरण के डोज लगाए जा चुके हैं। सर, अगर हम सेंसिस डेटा को देखें तो 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लगभग 90% से अधिक और 45 वर्ष के आयु वर्ग से लगभग लगभग 80% व्यक्तियों को एक डोज लगाई जा चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इस टीकाकरण कार्यक्रम में गति प्रदान करने के लिए समय समय पर VC के माध्यम से समस्त जिलों को निर्देश प्रदान किए गए हैं। माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय के निर्देशन में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीकाकरण कार्यक्रम को वैक्सीन की उपलब्धता के अनुसार सुव्यवस्थित और सुचारू रूप से भारत सरकार की समस्त गाइडलाइंस की पालना करते हुए चलाया गया है। समस्त जिलों ने जो इस कार्यक्रम में गति दी है उसी का कारण है कि आज राजस्थान कोविड वैक्सीनेशन में अग्रणी राज्यों में से एक है। हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, 45 वर्ष से अधिक या 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग वाले या 18 से 44 वर्ग के आयु के वर्ग वाले लोगों को अगर देखें तो राजस्थान हर में राष्ट्रीय औसत से ऊपर चल रहा है। सर, माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार वैक्सीन कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग द्वारा माननीय जनप्रतिनिधियों को विभिन्न प्रकार के एसोसिएशंस, चाहे इंडस्ट्रियल एसोसिएशन हो, होटल एसोसिएशन हो, स्ट्रीट वेंडर एसोसिएशन हो, ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन हो, अलग अलग विभागों को, सिविल सोसाइटी को शुरू से ही जोड़ा गया है। और अब सरकार की मंशा यह है कि इस कार्यक्रम में जन भागीदारी को और सुदृढ़ करने के लिए समाज के विभिन्न भवनों को, NCC को, NSS को, सिविल सोसाइटी को, इन सभी को और साथ लेके चल के आगे कार्यक्रम को बढ़ाया जाए और इसी इसके संबंध में आज की ये VC आयोजित की गई है। मैं एक बार फिर सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ। सर, आज की इस बैठक में हमारे साथ 3 विशेषज्ञ डॉक्टर भी जुड़े हैं। सर, आपकी अनुमति हो तो सबसे पहले डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वैक्सीनेशन के बारे में अपना उद्बोधन दें। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, सर, जहां तक सवाल वैक्सीनेशन का, तो कि ये वैक्सीनेशन कैसा है, क्या है, लेकिन जो राजस्थान के अंदर जो हमारे यहाँ पे वैक्सीनेशन लगा है, वो डेटा पूरी कंट्री के लिए एक आई ओपनर टाइप है कि वैक्सीनेशन बहुत जरूरी चीज है और वो वैक्सीनेशन जरूरी चीज है जिससे कि हम जिंदगी बचा सकते हैं। 60 साल से बड़े जो लोग थे वो राजस्थान में पहली वेव के अंदर करीब 63% की डेथ हुई, लेकिन सेकेंड वेव के अंदर 48% की डेथ हुई। आखिर क्यों? जबकि पूरे इंडिया के अंदर जो वैक्सीनेशन के अंदर जो डेथ हुई वो फर्स्ट एंड सेकेंड वेव के अंदर लगभग लगभग बराबर रही। तो ये एक बात थी कि राजस्थान में 80% से अधिक को वैक्सीनेशन लग गया था। तो वो वैक्सीनेशन लग गया था जिसकी वजह से ये बचाव आया। अब सवाल उठता है कि जो वैक्सीनेशन है राजस्थान के अंदर, यदि परसेंटेज वाइज देखें तो सबसे अधिक वैक्सीनेशन राजस्थान का ही आता है। कई बार ये कहते हैं कुछ लोग
जैसे जनता के मन में स्वाभाविक सवाल आता है, अरे साहब वैक्सीनेशन लग गया तब भी इंफेक्शन हो गया। तो वैक्सीनेशन एक तरह से हेलमेट की तरह है, जैसे कि हेलमेट एक्सीडेंट से नहीं बचाता लेकिन मृत्यु से बचाता है, वैसे ही वैक्सीनेशन जो है वो इन्फेक्शन से नहीं बचाता कोरोना के, लेकिन वे मृत्यु से बचाता है। और ये एक हमारे जैसे मेडिकल फील्ड के काफी स्टडीज आई हैं, जिसके अंदर काफी संख्या के अंदर ये प्रूव हुआ है कि कम से कम डेथ के अंदर ये काफी कारगर तरीके से वैक्सीनेशन बचाता है। आज यदि जरूरत है, क्योंकि सेकेंड वेव जा रही है, थर्ड वेव के अंदर हो सकता है अपने को 2-3 महीने मिले हैं, ये जो 2-3 महीने का पीरियड है, इसमें यदि एक सूत्री कार्यक्रम जो सबसे इफेक्टिव हो सकता है वो है वैक्सीनेशन। अपन लोग यदि ज्यादा से ज्यादा संख्या को वैक्सीनेट कर देंगे तो निश्चित तौर से इस महामारी को थर्ड वेव के अंदर बचा पाएंगे, और यही सबसे कारगर उपाय है। जब तक वैक्सीनेशन नहीं लगे तब तक मुंह के ऊपर मास्क प्रॉपरली लगाएं, सोशल डिस्टेंस रखें, और जो ही टर्न आए तो ही वैक्सीनेशन के लिए खुद भी लगाएं और प्रेरित करें, क्योंकि जो एंटीबॉडी बनती हैं वो हम देखी हैं, जो भी अपने स्टडीज आई हैं साइंटिफिक स्टडीज, उसके अंदर कोरोना के विरुद्ध एंटीबॉडीज इतनी संख्या में बढ़ती हैं कि वो बचाने के लिए, इन्फेक्शन को बचाने के लिए कारगर और प्रभावी कारगर होती है। तो मैं आज यही अपील करना चाहूंगा सर आपके माध्यम से कि जब भी जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छे वैक्सीनेशन लगा के हम अपनों को और अपने आप को बचाएं। धन्यवाद सर। धन्यवाद डॉक्टर साहब। सर आज हमारे साथ डॉक्टर राजा बाबू पवार, वाइस चांसलर राजस्थान हेल्थ यूनिवर्सिटी भी जुड़े, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा उनके उद्बोधन के लिए। नमस्कार सर, माननीय मुख्यमंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, मंत्रीगण साहिबान, जुड़े हुए अधिकारी एवं अन्य सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सर, साइंटिफिक डेटा देखने से लगता है कि कोविड वायरस का जो डिजीज का जो हमारे प्रदेश में डाउनवर्ड ट्रेंड है, जो कि संभव हो सका है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार द्वारा भरसक प्रयत्न करने से एवं जनता के बहुत बहुत सहयोग के कारण, कोविड डिसिप्लिन की अनुपालना करके एवं सरकार द्वारा अनुशासन पखवाड़े एवं लॉकडाउन में सहयोग करके, अब आज हम बात कर रहे हैं तीसरी वेव की, जैसा कि अभी वीरेंद्र सिंह जी ने भी बताया, लेकिन मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि तीसरी वेव के मुख्य कारण है कि लॉकडाउन के रिलैक्सेशन के बाद और उसके दौरान कोविड डिसिप्लिन की अनुपालना नहीं करना और आबादी का वैक्सीनेशन नहीं करवाना और नहीं होना, और तीसरा जो कारण है वायरस का म्यूटेशन, मतलब वायरस का स्वरूप बदलते रहना। अगर हम कोविड डिसिप्लिन की पालना नहीं करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस गैदरिंग करेंगे तो स्प्रेड बहुत फास्ट होएगा और म्यूटेशन मतलब रंग रूप वायरस बदलने लगेगा अपने सर्वाइवल के लिए। और जैसा कि अल्फा और डेल्टा वेरिएंट है, जो कि अभी दुनिया में 70 कंट्रीज में डेट है, जो कि हमारे देश और प्रदेश में पाया गया है, ये बहुत ज़्यादा कंटेजियस है, ये स्प्रेड बहुत जल्दी होता है। और आप समझ सकते हैं जब कोई भी जिसका म्यूटेशन है जो कि कंटेजियस है, तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मरीज पैदा करता है। जब मरीज बहुत ज़्यादा होते हैं तो हमारे हॉस्पिटल में कितने ही दुगने तिगने 4 गुने इंजाम कर लें, उसको पार पाना बहुत मुश्किल होता है। अभी हमारे खुद की रिसर्च में भी यूनिवर्सिटी और SMS ने जो रिसर्च कर रही हैं, उनके अंदर भी जो वायरस का म्यूटेशन मिला है, म्यूटेंट मिला है, वो डेल्टा वेरियंट है करीबन 80-90% केसेस में। तो ये बताता है कि हमारे एनवायरनमेंट में ऐसा म्यूटेशन वायरस का घूम रहा है कि वो बहुत ज़्यादा कंटेजियस है। इसलिए हमें कोविड डिसिप्लिन की पालना करना अत्यंत आवश्यक है और वैक्सीनेशन की अत्यंत आवश्यकता है। अगर हम हिस्ट्री देखें स्पेनिश फ्लू की, और हिस्ट्री देखें वेस्टर्न कंट्रीज में रिसेंट पास में, USA, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन कंट्रीज की, वहाँ काफ़ी जगह तो थर्ड वेव आ चुकी है और थर्ड कई जगह आने वाली है, और बहुत खतरनाक रूप से
जिसमें कि लाखों लोग पीड़ित हुए हैं और बहुत ज़्यादा मौतें हुई है, ऐसा फाउची जो कि अमेरिका के एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं और वो 7 बारी प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के एडवाइजर रहे हैं, अभी इनमें से कुछ देशों में जैसे कि मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के कई कंट्रीज हैं जो माइक्रो कंटेनमेंट और लॉकडाउन जैसे कदम तीसरी बार उठाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर रिलैक्सेशन के दौरान कोविड डिसिप्लिन की पालना नहीं की थी और पूरे लास्ट नंबर में इम्यूनाइजेशन नहीं कर पाए थे। जनता द्वारा कोविड अनुशासन की पालना नहीं करके थर्ड वेव को एक नोता है, और अगर हमारे यहाँ भी नहीं करेंगे तो हम एक तरह से थर्ड वेव को आने को न्योता देंगे। एंड काफ़ी लोग वैक्सीन नहीं लगवा कर गवर्नमेंट को कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, उनका कहना है कि सेम कारण हमारे देश प्रदेश में हो सकते हैं जो कि थर्ड वेव आने के। अब बॉल है जो जनता के पाले में है, अगर हम थर्ड वेव को आने से रोकना चाहते हैं या उसकी सीवियरिटी को कम करना चाहते हैं तो लॉकडाउन रिलैक्सेशन के दौरान और उसके बाद कई चीज़ों का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना करना, मास्क लगाना वैक्सीन के बराबर प्रोटेक्शन देता है ये ध्यान रहे, इसलिए हमें मास्किंग की प्रयोग करना जब भी हम बाहर निकलें और ज़रूरत पड़े तो घर पे भी मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। और आप सब से ये निवेदन है कि आप सबको एजुकेट करें कि मास्क सभी लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें और हाथ बार बार धोएं, एवं वैक्सीनेशन प्रोग्राम में भी सहयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगवाएं और सरकार के साथ कॉपरेट करें। अतः आप सबसे निवेदन है कि आप सब कोविड डिसिप्लिन की पालना अपने स्तर पर, अपने परिवार के स्तर पर, पंचायत के स्तर पर, वार्ड के स्तर पर, एनजीओस, धर्मगुरुओं, सामाजिक स्तर पर, एनसीसी, एनएसएस के स्तर पर, सरकार के प्रतिनिधियों के साथ जुड़कर पालना सुनिश्चित करें इस तरीके की कि सब साथ जुड़कर वैक्सीनेशन प्रोग्राम को सफल बनाएं और कोविड डिसिप्लिन की पालना सुनिश्चित करें, ताकि आप अपने अपने परिवार, अपने प्रदेश एवं देश की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर सुधीर भंडारी जी से, प्रिंसिपल एसएमएस मेडिकल कॉलेज, उनके उद्बोधन के लिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रिमंडल के अन्य सम्मान्य सदस्य और सभी विराजमान लोग और सारे यूथ लोग जो कि हमारे बहुत ही आने वाली पीढ़ी है जो हमसे जुड़े हैं, मैं उनको खासकर निवेदन करना चाहूँगा। हालांकि ऐसा लगता है कि सेकेंड वेव दुनिया में कई देशों की तरह हमारे देश में भी लगभग समाप्त हो गई है, परंतु मैं अभी सभी यूथ लोगों से कहना चाहूँगा कि अभी भी हम खतरे से बाहर नहीं है, अभी भी वैक्सीनेशन के हम उस स्तर पर नहीं पहुंचे हैं जो कि अब हम हर्ड इम्यूनिटी ग्रहण कर सकते हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा कि वैक्सीनेशन होने पर ही और हर्ड इम्यूनिटी के लेवल पे पहुंचेंगे और इस दौरान नए नए जो वेरिएंट्स आ रहे हैं वो हमारे को हर्ड इम्यूनिटी अचीव करने के अंडर डिफिकल्टी प्रोड्यूस कर रहे हैं। आपने देखा होगा कई देशों में काफी रिस्ट्रिक्शंस हट गए हैं, जैसे अमेरिका में या कुछ यूरोपियन देशों में, वहाँ ये तभी पॉसिबल हो पाया है जब 70-80% पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन हो चुका है। अतः मुझे आप सब लोगों से निवेदन होगा कि अगर हम भी इस तरह की हैप्पी सोसाइटी बैक लाइक बिफोर अगर देखना चाहें तो आप लोगों को खुद वैक्सीनेशन करा के और सोसाइटी में वैक्सीनेशन को प्रमोट करना पड़ेगा। अगर हम ग्लोबल ट्रेंड का अध्ययन करें तो कोविड-19 को रोकने के लिए वैक्सीनेशन ही एक सबसे इफेक्टिव मॉडल और इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। वर्तमान में जिन देशों ने कोविड को मात दी है उन सभी ने हर्ड इम्यूनिटी वैक्सीनेशन के द्वारा ही प्राप्त की है। अतः आप लोगों की भागीदारी, आप लोगों की समझदारी इसमें सबसे आवश्यक है। मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि हम लोग इस वैक्सीनेशन को इतना सफलता से कर रहे हैं, देश के वैक्सीनेशन अभियान में राजस्थान काफी अच्छा कर रहा है। हमने राजस्थान सरकार के सक्रिय प्रयासों के बदौलत 2 करोड़ से ज्यादा आबादी का वैक्सीनेशन कर लिया है। अगर आपको जान के खुशी होगी कि इतने अच्छे वैक्सीनेशन के अभियान के बावजूद भी, जैसा कि शुरू में जो भ्रांतियां थी कि वैक्सीनेशन के द्वारा कुछ साइड इफेक्ट हो जाते हैं, डायबिटीज हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाते हैं, ब्लड क्लॉट हो जाता है, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। और जैसा कि आपको बताया गया कि वैक्सीनेशन के द्वारा
हम क्रिटिकल डिजीज, सीवियर डिजीज और वेंटिलेटर और डेथ को बचा सकते हैं, वो एक हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। लेकिन हाल ही में थर्ड वेव को ध्यान में रखते हुए 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग में वैक्सीनेशन की प्रतिशत को तत्काल सख्ती से बढ़ाने की जरूरत है। हम सभी जानते हैं और स्पेशलिस्ट ने भी बताया है कि तीसरी लहर एडल्ट की तुलना में पीडियाट्रिक पॉपुलेशन को और यंग एडल्ट्स को ज्यादा प्रभावित कर सकती है। हमारे पास अभी भी इस पीडियाट्रिक आयु वर्ग के लिए वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं है, बट 18 वर्ष के ऊपर उपलब्ध लोगों के लिए वैक्सीनेशन हमारे पास उपलब्ध है। आप लोग सभी आके अपने आप को प्रोटेक्ट करें। जैसा कि सूचना उपलब्ध है, थर्ड वीक ऑफ जुलाई तक शायद हमारे पास बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन उपलब्ध हो जाएगा। और एक बार अगर इतना अधिक वैक्सीनेशन हो गया तो हम हमारे को सोसाइटी को पूरा प्रोटेक्ट कर पाएंगे। अभी हाल ही में स्कूल बच्चे नहीं जा पा रहे हैं, जिसका असर उनके मानसिक स्वास्थ्य पर पूरा पड़ रहा है। उसको रोकने के लिए स्कूल ओपन करने की रणनीति हम तभी अपना पाएंगे जब हमारे पेरेंट्स अधिक से अधिक वैक्सीनेट हो जाएंगे। इससे न केवल स्कूलों में फैलने वाले संक्रमण को रोकने में मदद मिलेगी, बल्कि जनता भी वैक्सीनेशन करने के प्रति प्रेरित हो जाएगी और कॉलेज के छात्रों के लिए भी ऐसा करना चाहिए। अतः आप सभी के द्वारा 18 साल से ऊपर लोगों को आगे आके वैक्सीनेशन कराने से हम अपने बच्चों का भविष्य भी बेटर कर पाएंगे। स्टडीज से ऐसा भी पता लगता है कि वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन में बहुत कम लोग कोविड से संक्रमित और प्रभावित हुए हैं। इनमें खासकर जिन लोगों को कोविड कोमॉर्बिड कंडीशंस है, जैसे डायबिटीज है या और कोई हार्ट प्रॉब्लम है, जिनको अस्थमा है, उनको तो आगे आके सबसे पहले वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। मैं आपको इस बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पे जो 16 जनवरी से वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, उसमें नगण्य के बराबर हमें किसी भी तरह का साइड इफेक्ट देखने को मिला है। अभी आपने हाल ही में दूसरी वेव जो कि बहुत एग्रेसिव है, उसमें म्यूकोरमाइकोसिस नामक बीमारी के बारे में सुना होगा। आपको मैं कुछ सच बताना चाहूंगा कि 96% लोग जिनको म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस की बीमारी हुई थी, उनमें 96% लोग वैक्सीनेटेड नहीं थे। अतः आप वैक्सीनेशन की महत्व समझ सकते हैं। अगर हम वैक्सीनेट करवाएंगे तो हम किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं, भले ही हमें बहुत मामूली और एसिम्प्टोमेटिक बीमारी हो। इतना ही नहीं, कोविड के कारण हमें साइकोसोशल डिजीजेस बहुत होने लगी है। एक ही जगह रहने से, बुरी डेथ की खबर आने से, इकोनॉमिक स्लोडाउन होने से हमें कई पैनिक डिसऑर्डर होने लग गए हैं, जैसे स्लिप डिसऑर्डर, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन एक्सेट्रा। आपको जान के अच्छा लगेगा कि इंटेंस वैक्सीनेशन ड्राइव के साथ हमारी सरकार ने शुरू से ही इस समस्या की ओर बहुत ध्यान दिया है और हर कोविड हॉस्पिटल के अंदर साइकोसोशल काउंसलिंग, साइकेट्रिक काउंसलिंग की व्यवस्था उपलब्ध की है। अतः आप लोगों को कभी भी इस तरह की किसी भी तरह की फीलिंग हो तो आप साइकोलॉजिकल, साइकोसोशल काउंसलिंग सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पोस्ट कोविड सेंटर्स और पोस्ट कोविड क्लिनिक में जाके जरूर ग्रहण करें। और मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि थर्ड वेव को ब्लंट करने का, थर्ड वेव को रोकने का हमारे पास एक बहुत अच्छा जरिया उपलब्ध है। आप सभी लोगों को आगे आना है, अपने आप को वैक्सीनेट करवाना है, अपने आप को ही नहीं सारे लोगों को मोटिवेट करना है, उनका वैक्सीनेशन के अंदर विश्वास आपको जमाना है। ये कहते हुए कि 2 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन करने के बाद भी हमें किसी तरह की कोई अनटूवर्ड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। अगर हम अपने आप को वैक्सीनेट करा पाएंगे तो हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा पाएंगे। इतना ही नहीं, मैं आपको एक और बताना चाहूंगा कि अभी कुछ समय के लिए वैक्सीनेशन के साथ साथ हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की बहुत अधिक पालना करनी पड़ेगी। मैं कुछ नए डेल्टा वायरस के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि ये वायरस म्यूटेशन के कारण नया वेरिएंट बना है। छोटा सा मैं यंग मेरे दोस्तों को ये बताना चाहूंगा कि वेरिएंट और म्यूटेशन क्यों बनते हैं। जब वायरस एक दूसरे में बहुत अधिक फैलता है तो वो अपना प्रकार बदल देता है। अतः हमें उसमें भागीदार बनके अधिक फैलने को रोकना है। वो अधिक फैलने को रोकना हम मास्क के द्वारा और सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा कर सकते हैं। अभी कुछ अनलॉकडाउन किया गया है, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि उस अनलॉकडाउन में जो यूथ लोग हैं वो ऐसी जगह जाने से थोड़ा बचें जहाँ पे सेंट्रल एसी हो, जहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में भीड़ हो, रेस्टोरेंट और जहाँ पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो, बिकॉज हमें इंटरपर्सनल स्प्रेड को रोकना है। ये डेल्टा वायरस जो अभी हमारे देश में 90 to 100% पाया गया है,
ये 74 कंट्रीज में पाया गया है और ये पुराने वायरस से 50% अधिक स्पीड से फैलता है और इसको WHO ने भी वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर दिया गया है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि वेरिएंट के बावजूद भी अगर आप दोनों डोज से वैक्सीनेटेड हैं तो इसकी भयानकता और इसके कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं। अतः हम सब लोगों को एक साथ जोड़ के हमारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम को सफल बनाना है और वो हम तभी बनाएंगे जब हमारे यूथ, हमारे यंग लोग, हमारे एडल्ट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, बड़े लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे, जिससे बच्चों का भविष्य भी उज्जवल होगा। मैं इसी संदेश के साथ कि अपने को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अभी जब तक हमें हमारे देश में मानना है, जब तक कि हम पूरे इस कोविड से फ्री नहीं हो जाए, अतः जैसा कि आपको कहा गया है, मास्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग हमारे डेली दिनचर्या का रूटीन बनना चाहिए। एक हमारे साइंटिफिक जर्नल में बहुत अच्छा संदेश हम लोगों के लिए आता है कि सरकार को अनलॉकडाउन करना ही पड़ेगा बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, लेकिन अनलॉकडाउन स्टेट में हम अपना सेल्फ डिसिप्लिन, मास्किंग और डिस्टेंसिंग करके उसको प्योर लॉकडाउन के लेवल पे ला सकते हैं। तो सरकार पब्लिक हेल्थ के लिए अनलॉकडाउन करेगी बट हमारा सेल्फ डिसिप्लिन के द्वारा मास्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग हम इतना करें कि हमें रिजल्ट कंप्लीट लॉकडाउन जैसे मिले और उसके साथ अगर आप लोगों के सहयोग से हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम पूर्ण हो गया तो हम इस कोविड पैंडेमिक से बाहर निकल सकते हैं। और जो थर्ड वेव जिसकी हमें इतनी चिंता है, जिसकी गवर्नमेंट के द्वारा पूर्ण तैयारी है, हमारे सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिसिन, टेस्टिंग फैसिलिटी, थर्ड वेव अगर आती भी है तो हम पूर्ण रूप से तैयार हैं ताकि हम किसी भी पब्लिक को नुकसान नहीं होने देंगे। बट अगर हम ये दो तीन चीजें करें तो शायद इस वेव को हम आप लोगों के सहयोग से ब्रेक कर पाएंगे। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब निवेदन है माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री रघु शर्मा जी से उनके उद्बोधन के लिए। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब, हमारे यूडीएच मंत्री आदरणीय शांति धारीवाल साहब, हमारे शिक्षा मंत्री और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, मंत्री आदरणीय भंवर सिंह जी भाटी साहब, आदरणीय अशोक चांदना जी, चिकित्सा राज्य मंत्री माननीय सुभाष गर्ग जी, वीसी से जुड़े हुए मुख्य सचिव सम्माननीय निरंजन आर्य जी, सम्माननीय अखिल अरोड़ा जी, सम्माननीय कुलदीप रांका जी, सम्माननीय वैभव गालरिया जी, सम्माननीय सिद्धार्थ महाजन जी, सम्माननीय मंजू राजपाल जी, एनएल मीणा साहब, के पाठक साहब, दीपक नंदी जी, डॉक्टर राजा बाबू पवार जी, डॉक्टर भंडारी जी, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी, एनसीसी एनएसएस स्काउट के स्टेट हेड, वीसी से जुड़े हुए तमाम कलेक्टर्स, विभाग के अधिकारीगण और जनप्रतिनिधिगण, जिला प्रमुखगण, मेयर, सभापति, वार्ड मेंबर, सरपंच साहिबान, मुझे खुशी है आज कि बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ये ओपन वीसी का आयोजन किया गया है। जैसा आप सब जानते हैं कि देश में 16 जनवरी से हेल्थ केयर वर्कर्स के टीकाकरण के साथ टीकाकरण का काम शुरू हुआ और फॉर्चुनेटली राजस्थान वो प्रदेश है जहां हमने नवंबर में ही हमारे विभाग ने टीकाकरण की सारी तैयारियां पूरी कर ली थी और राजस्थान में लगभग 18,000 जगह वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं हमारे, जिसमें हमारे सब सेंटर हैं, पीएससी है, सीएससी है, उपजिला चिकित्सालय है, जिला चिकित्सालय है, मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए अस्पताल हैं और कई कई प्राइवेट साइट्स पे भी हमने वैक्सीनेशन किया है। उसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी वैक्सीनेशन का जो केंद्र है वो बनाए हैं। हमने शुरुआत से ही जो हमारे वैक्सीनेटर्स थे उनकी ट्रेनिंग का प्रोग्राम बहुत शानदार तरीके से किया और जिस तरह से एडवर्स इवेंट फॉलो उसको मॉनिटर करने की भी ट्रेनिंग हमारे विभाग के जितने भी कार्मिक थे, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, नर्सिंग स्टाफ, आशा सहयोगिनी, इन सब लोगों को
पूरी ट्रेनिंग हमने दी, और सबसे बड़ी बात यह थी कि राजस्थान में बम्पर स्ट्रोक वैक्सीन का रखने के लिए हमने स्टोरेज सेंटर बनाए, 3 स्टोरेज सेंटर राजधानी जयपुर में बनाए, 7 संभागीय मुख्यालयों पर बनाए, 34 हमारे मेडिकल के जिले हैं उन पे हमने स्टोरेज कैपेसिटी डेवलप की, 2444 कोल्ड चेन पॉइंट बनाए हमने राजस्थान में, राजस्थान के हर जिले में वैक्सीन को कैरी करने के लिए एक वैन हमने रखी, जिस ढंग का शानदार प्रबंधन था, कितनी भी वैक्सीन हमको देती भारत सरकार, हम उसका स्टोरेज करने की कैपेसिटी डेवलप कर चुके थे वैक्सीनेशन से पहले। और राजस्थान फॉर्चुनेटली चाहे कोविड के प्रबंधन में हम अव्वल रहे, प्रधानमंत्री जी ने तारीफ की कोविड के प्रबंधन की, हमारा भीलवाड़ा मॉडल, रामगंज मॉडल पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना, और वैक्सीनेशन में भी राजस्थान ने पूरे कंट्री में सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। हम 50 लाख कोविड टीकाकरण करने वाले देश में पहले राज्य बने, और हम महाराष्ट्र के एक दिन बाद ही 1 करोड़ लोगों को टीकाकरण करने वाले देश में दूसरे राज्य के रूप में बने। 1 दिन का गैप था, पहला महाराष्ट्र रहा 1 करोड़ करने में, दूसरे दिन हम भी 1 करोड़ कर पाए। मैं समझता हूं 16 जून तक हमने 2 करोड़ लोगों को टीकाकृत किया है राजस्थान के अंदर, और जो 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग थे उनको 90% से अधिक पहली डोज लगाई गई, 45 से 60 साल की आयु के लोगों को 80% के करीब डोज लगाई, 18 से 44 साल की एज ग्रुप का जब प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि 1 मई से ये वैक्सीन राज्य लगाएंगे, आर्थिक भार भी वही वहन करेंगे, अगर हमको बजट से पहले बता देते तो बजट में प्रोविजन कर लेते। अचानक जो बेनिफिशियरी है इस एज ग्रुप के करीब 3,25,00,000 लोग, उनकी सेकेंड डोज और फर्स्ट डोज को मिला है तो 6.5 करोड़, और वेस्टेज को शामिल करें 7.75 करोड़ डोज, जिसका लगभग 3,000 करोड़ का वित्तीय भार राज्य सरकार पे डाल दिया गया। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि विषम आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद, क्योंकि 15-16 महीने से जिस ढंग से लॉकडाउन से आर्थिक गतिविधियां ठप थी और राज्य में सीमित आय के संसाधन होने के बावजूद 3,000 करोड़ का भार भी वहन करने की आपने स्वीकृति दी, हमारे मंत्रिमंडल ने ग्लोबल टेंडर की परमिशन दी, ग्लोबल टेंडर में हम गए भी और ग्लोबल टेंडर खुला भी, लेकिन कई व्यावहारिक कठिनाइयां थी, और भी राज्यों ने ग्लोबल टेंडर किया लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुए, क्योंकि जिन देशों में ये वैक्सीन बनती है उनसे अगर प्रोक्योरमेंट करेंगे तो विदेश मंत्रालय का हस्तक्षेप चाहिए, वहां जो एम्बेसीज है उनका सहयोग चाहिए, तो तमाम चीजें तब राज्यों ने भारत सरकार से ही मांग की कि ये वैक्सीनेशन जब आप 45 साल से ऊपर के लोगों को आप कर रहे हो तो ये 18 से 44 का भी आपको ही करना चाहिए। और वैक्सीनेशन का इतिहास है देश में, जब से आजाद हुए हम चाहे किसी भी प्रकार की वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चलाओ, सारा खर्चा भारत सरकार उठाती रही है, राज्यों को वैक्सीन वो देती रही है। ये पहला मौका आया जब एक एज ग्रुप के लोगों को, जो कि युवा पीढ़ी के लोग हैं देश के, उनके वैक्सीनेशन का भार अनायास राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया, फिर मजबूरन राज्यों को सुप्रीम कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। अब बात एक देश एक कीमत की बात जब की जाती है तो फिर ये वैक्सीन में भारत सरकार को अलग कीमत पे दी जाएगी, राज्यों को अलग कीमत पे दी जाएगी, प्राइवेट को अलग कीमत पे दी जाएगी। मैं समझता हूं ये सब चीजें जो हुई उससे सुप्रीम कोर्ट को भी दखल देना पड़ा, और अंततोगत्वा हमने 1 मई से शुरू कर दिया था, यहां हमने भारत इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट 101 करोड़ रुपए से भी ज्यादा राजस्थान सरकार ने एडवांस दिया इनको, और हमने 1 मई से यहां टीकाकरण शुरू कर दिया राजस्थान के अंदर, और करीब 11% लोगों को राजस्थान में वैक्सीनेट हमने किया भी। और ये जो वैक्सीन बर्बाद होने की जो बात करते हैं उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि राजस्थान में जितनी डोज हमने परचेज की इस एज ग्रुप के लिए, हमने उससे ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया है, यहां जीरो वेस्टेज के साथ, एक भी वायल हमने वेस्ट नहीं होने दी, और 11% लोगों को इसमें टीकाकृत किया है। दूसरी बात, निशक्त जनों को, कैदियों को, भिखारियों को,
जिनके पास कोई पहचान पत्र नहीं है, राजस्थान में कैंप आयोजित करके ऐसे लोगों को भी हमने वैक्सीनेट किया है। उसके अलावा ट्रांसपोर्टर हो, सब्जी वाले हो, स्ट्रीट वेंडर हो, राशन के डीलर हो, औद्योगिक और निर्माण श्रमिक हो, होटल व्यवसायी हो, अधिवक्ता हो, फार्मासिस्ट हो, इन सब के लिए विशेष कैंप लगे राजस्थान के अंदर। और हमारी जो टीमें थी उन्होंने घर घर जाके लोगों को प्रेरित करने का काम किया कि आप आइए और वैक्सीनेट होइए, हम वैक्सीन करेंगे, आपको लगाएंगे। इसके अलावा वोटर लिस्ट से भी मिलान करके और वैक्सीनेशन का काम राजस्थान में किया गया। मैं समझता हूं कि 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों के टीकाकरण का प्रारंभ में राजस्थान इस आयु वर्ग में देश में किए गए कुल टीकाकरण का 20% टीकाकरण कर रहा था और हमने एक दिन में 5,81,000 लोगों को वैक्सीनेट किया भी था। अगर उसी गति से हम वैक्सीनेट करते जाते तो राजस्थान में संभवतः अब तक जो भी इस एज ग्रुप के लोग थे उनको हम वैक्सीनेट कर चुके होते। लेकिन अचानक वैक्सीन की सप्लाई अनियमित आपूर्ति, उससे हमारे प्रदेश का टीकाकरण प्रभावित हुआ। गत कुछ दिनों में हमको 20,00,000 डोजेज मिली वैक्सीन की और हमने हर रोज 4,00,000 लोगों को वैक्सीनेट किया। प्रदेश में कोविड वैक्सीनेशन के वेस्टेज के बारे में भी इतनी भ्रांतियां, यहां तक कि भारत सरकार में केंद्र के मंत्री के रूप में बैठे हुए लोगों ने भी बयान जारी कर दिया। एक अभियान चलाया गया कि 11,50,000 डोज वेस्ट कर दी गई राजस्थान में, राजस्थान में वैक्सीन डस्टबिन में डाल दी गई, राजस्थान में वैक्सीन गड्ढे में गाड़ दी गई। ये जिन लोगों को मालूम है खुद को, देश की सरकार में बैठे हुए लोग, भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, राजस्थान के हेल्थ वर्कर्स ने, हमारी जो मेडिकल की टीमें हैं, शानदार काम किया उन्होंने, और जो गाइडलाइन भारत सरकार ने हमको दी कि पीले बैग के अंदर आपको जो वाइल काम आ चुकी है उनको उसमें रखना है, उसी में हमने रखी है। गड्ढे में गाड़ने की उन्होंने खुद ने गाइडलाइन जारी की है, उसके फोटो हमने वापस जारी किए, ये भारत सरकार की गाइडलाइन है। उसके बावजूद इस तरह की वैक्सीनेशन के बारे में भ्रांतियां फैलाना, जो राज्य पूरे कंट्री में शानदार कर रहा है, नंबर वन था वैक्सीनेशन में, अब अनियमित आपूर्ति की, तो काम तो ये करना चाहिए था उनको कि भारत सरकार पर दबाव बनाते कि राजस्थान जब अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हम 12 से 15 लाख लोगों को एक दिन में वैक्सीन लगाने की कैपेसिटी है हमारी, तो हमें डोज मिलो, बंपर स्टॉक दो, हमारे पास पूरी पर्याप्त व्यवस्था स्टोरेज की है, वो करने की बजाय पूरी की पूरी भाजपा इसके आलोचना में उतर गई और इस तरह की भ्रांतियां जिनमें कोई दम नहीं था वो फैलाने की कोशिश की गई, जो कि टीकाकरण के इस दौर में मैं समझता हूं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भी है और निंदनीय भी है। इसी तरह की अफवाहें झारखंड के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए भी उड़ाई गई। टारगेटेड रूप से पंजाब हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, राजस्थान हो, इनको टारगेट किया गया। आज मुझे खुशी है कहते हुए, क्योंकि रिकॉर्ड बोलता है, कोविन सॉफ्टवेयर है और हमारा जो दूसरा सॉफ्टवेयर बना हुआ है उनके ऊपर दर्ज होती है जितनी भी वैक्सीन करते हैं हम लोगों की। हमारे प्रदेश का वेस्टेज 0.7% है, जो कि कंट्री में सबसे कम वेस्टेज है। और उसके अलावा जो भारत सरकार ने अनुमत किया वो 10% वेस्टेज अनुमत किया है। राजस्थान में जिस ढंग से वैक्सीन में कई जिलों ने जितनी डोज मिली उससे ज्यादा वैक्सीनेट किया लोगों को, ज्यादा वैक्सीन लगाई है, तो इस तरह से मैं समझता हूं कि दुष्प्रचार किसी भी रूप में अनुचित था, उनको बचना चाहिए था, क्योंकि ये वही प्रदेश के लोग हैं जिन्होंने उनको सांसद बनाया, उसकी वजह से वो भारत सरकार में मंत्री भी बने हैं। मैं समझता हूं कि राजस्थान ने 50 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों में कोविड टीकाकरण की संक्रमण प्रथम लहर की अपेक्षा कम है और प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ से ही, मतलब जिस ढंग से मुख्यमंत्री जी ने कोविड का मुकाबला किया, सारे राजनीतिक दलों को कॉन्फिडेंस में लिया, 21 घंटे बीसी हुई है, कोई पॉलिटिकल पार्टी के एमपी हो, एमएलए हो, प्रधान हो, सरपंच हो, सारे लोगों को जोड़ के, धर्मगुरुओं को, एनजीओ को,
एक्टिविस्ट को, सबको कॉन्फिडेंस में लिया, 300 से ज्यादा वीसी किए। वीसी में हमेशा ये कहा गया कि हम सरकार के साथ हैं इस महामारी के दौर में, क्योंकि ये तो वैश्विक संकट है। उस संकट का हम जिस ढंग से मुकाबला कर रहे हैं, हमें उम्मीद थी कि सब लोग मिलके इस महामारी से मुकाबला करेंगे, लेकिन मुझे दुर्भाग्य से इस पूरे दौर में हमारी आलोचनाओं का कोई कमी नहीं रखी गई। हमें शिकार भी होना पड़ा, लेकिन हमने और हमारी टीम ने इस टीकाकरण के अभियान को बदस्तूर जारी रखा राजस्थान में, और राजस्थान में जिस ढंग से वैक्सीनेशन का काम किया गया है, मैं समझता हूं अभी भी भारत सरकार से हमारी मांग है कि जब हम एक दिन में 15 लाख लोगों को वैक्सीनेट करने की क्षमता रखते हैं, तो हमको 4 दिन का स्टॉक तो दे, कम से कम 60 लाख वैक्सीन हमको एडवांस में हमारे पास रहनी चाहिए, तब जाके हमारा टीकाकरण टाइम बाउंड तरीके से पूरा हो सकता है। हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं जावड़ेकर जी बोल रहे हैं कि दिसंबर तक पूरे देश को वैक्सीनेट कर देंगे, तो भाई रोड मैप क्या है? हम बार बार पूछते हैं कि दो कंपनियां जो वैक्सीन बना रही है उनकी उत्पादन क्षमता क्या है, उसमें से वो एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं, कितना भारत सरकार को दे रहे हैं, कितना प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं, आज तक कभी देशवासियों को ये जानकारी ही नहीं है। अगर हमें जानकारी हो, हम उसी गति से वैक्सीनेट करेंगे लोगों को। जो पूर्व प्रधानमंत्री जी ने कहा, चिट्ठी लिख के प्रधानमंत्री जी को कि आप और कंपनियों को लाइसेंस दे दीजिए, ऑथराइज कर दीजिए, ताकि ज्यादा उत्पादन होगा, उसका भी जिस ढंग से पॉलिटिकली तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री का जवाब भारत सरकार के चिकित्सा मंत्री जी के द्वारा दिलाया गया, ये सब चीजें ऐसी है कि हम अगर राष्ट्रहित में कोई बात भी रखेंगे तो भी उसको गलत तरीके से लिया गया, ये बहुत गलत बात है। आज सब लोग जो जनप्रतिनिधि जुड़े हैं, मैं तो आपसे ये अनुरोध करना चाहता हूं, चाहे स्काउट के, एनसीसी के, एनएसएस के, हमारे जिला प्रमुख, मेयर, सभापति, वार्ड मेंबर, हमारा विभाग तो काम कर ही रहा है, लेकिन आप लोग आने वाले टाइम में, क्योंकि 3 तरह की प्रॉब्लम आ रही है। एक ड्रॉप आउट होता है, फर्स्ट डोज लगा लिया, सेकेंड डोज लगाने नहीं आया। एक होता है लेफ्ट आउट, जो आए ही नहीं है कवरेज में, उनको कैसे प्रेरित करें हम? वैक्सीन के बारे में भ्रांतियां नहीं होनी चाहिए, मुख्यमंत्री जी ने लगाई है, प्रधानमंत्री जी ने लगाई है, सारे जितने देश में नामी लोग हैं सबने वैक्सीनेट करवाया अपने आप को, ये सुरक्षा कवच है इस महामारी का। तो अगर किसी भी क्षेत्र में राजस्थान में वैक्सीन के बारे में कोई भ्रांति हो, तो हम सब लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम उन भ्रांतियों को दूर करें, लोगों से संपर्क करें, आम व्यक्तियों से उनको प्रेरित करें वैक्सीनेशन के लिए। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई कई इलाकों में आज भी ये भ्रांति है, वैक्सीन लगाने से हमारी मृत्यु हो सकती है, उन लोगों को समझाइश करने की जरूरत है। सरकार आईसी एक्टिविटीज कर रही है, विज्ञापन दे रही है, मुख्यमंत्री अपील कर रहे हैं, हमारी सरकार के मंत्रीगण पूरे जिलों में जाके लोगों से अपील कर रहे हैं, लेकिन जब तक सारे जनप्रतिनिधि एक अभियान बना के रूप में इस कैंपेन को अपने हाथ में नहीं लेंगे और डोर टू डोर लोगों को समझाइश नहीं करेंगे, मैं समझता हूं लोगों की भ्रांतियां कई कारणों से है, उनको दूर करने में आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं आज जो एक वीसी माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, ये राजस्थान को संपूर्ण रूप से, हमारे 8 करोड़ लोग हैं, उनको पूरे वैक्सीनेट हम टाइम बाउंड कर सकें, उसको देखते हुए आज ये बड़ी वीसी की है। मैं आप सब लोगों से अपील करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शानदार काम किया है कोविड प्रबंधन में, वैक्सीनेशन में शानदार प्रबंधन किया है, और आने वाले समय में जो तीसरी वेव की बात की जा रही है उसको देखते हुए हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरे प्रदेश में मजबूत कर रहे हैं, चाहे जितने हमारे बच्चों के अस्पताल है, उनके नीकू है, पीकू है, एसएनसीयू है, या मदर चाइल्ड हॉस्पिटल है, हमारी 400 के करीब सीएससी है, वहां आईसीयू के बेड तैयार कर रहे हैं, ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट लग रहे हैं, 1000 MT ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता राजस्थान आने वाले 1-1.5 महीने में विकसित कर लेगा। तो जिन चुनौतियों को, जिन कठिनाइयों को हमने सेकेंड वेव के दौरान भुगता है, देखा है, महसूस किया है, उनसे सीख लेते हुए हम एडवांस मैनेजमेंट किसी भी चुनौती का मुकाबला करने के लिए
मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कर रहे हैं और बराबर रिव्यू मीटिंग हो रही है, विभाग मुस्तैदी से काम कर रहा है। मैं तमाम अधिकारियों को, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के तमाम डॉक्टर्स की टीम को, नर्सिंग स्टाफ को जो इस अभियान में लगे हुए हैं, उन सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं और आपसे भी अपील करना चाहता हूं कि उनका मॉरल हाई रहेगा तभी राजस्थान बचेगा, तभी राजस्थान सुरक्षित रहेगा। जिन लोगों ने अपनी जान खतरे में डालकर आम व्यक्ति की जान बचाने का काम किया है वो सलाम करने योग्य हैं। कई जगह शिकायतें आई, टोंक में, अजमेर में जनप्रतिनिधियों ने जाके जिस ढंग से बेइज्जती की हमारे डॉक्टर्स की, नर्सिंग स्टाफ की, ये कतई बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। ये लोग भगवान के रूप में लोगों की जिंदगी बचा रहे हैं, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि राजस्थान में एक अच्छा वातावरण बने, हम राजनीतिक विचारधारा में से ऊपर उठें और इस महामारी से मुकाबला करने में सरकार के साथ खड़े हों। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शानदार काम हो रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद सर। अब मैं निवेदन करूंगा माननीय शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी से उनके उद्बोधन के लिए। सर सर आवाज नहीं आ रही सर जी। बाकी तमाम अधिकारीगण, एनजीओ, जनप्रतिनिधिगण, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनको नाम रिपीट नहीं करना चाहूंगा, जिलों के कलेक्टर भी जुड़े हुए हैं, सबके नाम लगभग माननीय रघु शर्मा जी ने लिए हैं। मैं अपनी बात इस तरह से रखना चाहता हूं कि जो कोरोना के अंदर जो काम होना चाहिए और जो काम हुआ है उसके बारे में वैसे तो जनता पूरी तरीके से जानती है, लेकिन जब मौके आते हैं तो हमको उसकी बात जरूर करनी चाहिए। जब प्रथम वेव आई थी किसी को पता नहीं था, उसके बावजूद भी हमारी सरकार ने अच्छा काम किया, हमारे जितने भी पार्टी के लोग हैं उन्होंने भी अपने सामर्थ्य के हिसाब से सारे काम किए और उसका परिणाम ये रहा कि हम हिंदुस्तान में एक संदेश दे सके कि राजस्थान में बहुत अच्छा काम हुआ। और देश के प्रधानमंत्री को भी उस वक्त ये कहना पड़ा कि राजस्थान का जो मॉडल है उसके हिसाब से अन्य लोगों को भी प्रेरणा लेकर के काम करने चाहिए। मैं समझता हूं दूसरी जब वेव आई तो केंद्र की सरकार ये पहचानने में नाकामयाब रही कि ये दूसरी वेव इतनी खतरनाक हो सकती है और इस तरीके से आ सकती है, और जो व्यवस्थाएं केंद्र की सरकार को करनी चाहिए थी, जो हम सबको अलर्ट करना चाहिए था, वो लोग बात नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी जो दूसरी वेव खतरनाक आने के बावजूद भी, जो वैक्सीन लगाने की बात हो उन सारी व्यवस्थाओं में राजस्थान की सरकार ने तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को, तमाम एनजीओज को, तमाम धर्मगुरुओं को, सबको साथ लेते हुए एक शानदार तरीके से एक मिशन के रूप में काम किया और उसका परिणाम ये रहा कि अन्य प्रदेशों की तुलना में हमारा जो रेशियो है, चाहे वो वैक्सीन लगाने का रेशियो हो, चाहे वेस्टेज वैक्सीन कम हो इसकी बात हो, चाहे अन्य सीएससी, पीएससी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात हो, चाहे दवाइयों की बात हो, ऑक्सीजन की बात हो, तमाम में हम लोग केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनाने में कामयाब रहे और जैसे तैसे हमने कैसे भी करके दवाइयां भी सब लोगों को उपलब्ध कराई और जो हॉस्पिटल तक आए उन लोगों को इलाज कराने में भी हमारे कोई कोर कसर हमने नहीं छोड़ी। एक छोटा सा आंकड़ा मैं देना चाहूंगा जो अन्य स्टेट्स का आंकड़ा नहीं हो सकता क्योंकि उनसे हम बहुत बेहतर हैं, कि जो हेल्थ केयर वर्कर हैं उनको जो पंजीकृत थे उसकी 90.9% हम लोगों ने जो पंजीकृत थे उसकी वैक्सीन लगाने का काम किया। दूसरा 45 वर्ष से अधिक जो है उसमें भी हमने 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने का काम किया है। 60 वर्ष से ऊपर जो लक्ष्य हमने रख रखा था उसमें वैक्सीन कम मिलने के बावजूद भी 92% हमने उस लक्ष्य में हम लोग कामयाब रहे और 45 से 59 साल के जो आयु के लोग हैं उसमें से भी हम लोग 68.70 के लगभग उस लक्ष्य के अगेंस्ट में हम लोगों ने अचीव किया हमारा लक्ष्य। और 45 से अधिक आयु के सेंसस के मुताबिक हमने 78% लोगों को वैक्सीनेशन करने का काम किया है।
मैं समझता हूं कि जो 18 से 44 के लोग हैं उनमें भी 24.44 लाख के लगभग हमने राज्य सरकार के द्वारा खरीद करके लगाया, मिलिट्री के लोगों को भी हमने दिए है, अन्य काम में ये जो आंकड़े हैं ये अन्य स्टेट्स के कोई आंकड़े नहीं हो सकते। दूसरा मैं जो कहना चाहता हूं कि एक बहुत अच्छा निर्णय हमारी सरकार ने जो किया, मैं समझता हूं जो वैक्सीनेशन वेस्ट करने की बात है वो तो 0.8 अभी रघु शर्मा जी कह रहे थे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में किसी स्टेट में इतना अच्छा इतनी बचत करने का आंकड़ा नहीं हो सकता है। 10% वेस्टेज के लिए कहा, भारत सरकार ने 6% का तक वैक्सीन जो है वो बेकार हुई, और हमारे उस टाइम भी 2% थी और अब तो हम 0.8% यानी 1% से भी नीचे हम हैं। तो ये इनकी बोलती भी बंद होगी, लेकिन इनको चाहिए था कि सहयोग करना चाहिए। ऐसी महामारी में किसी पे लांछन लगाना, किसी सरकार को सहयोग नहीं देना और नहीं दे करके वो झूठे तरीके से उसके ऊपर इलिगेशन लगाना या किसी मंत्री विशेष पे लगाना, मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। ये लोगों के साथ एक तरीके से उस पीड़ा कोरोना के कारण से तो आई, लेकिन हम हमारी आवाज से भी उसको पीड़ा देना चाहते हैं तो ये कतई उचित नहीं है। अभी जो सरकार ने एक बहुत अच्छी स्कीम हमारे जो बच्चे जो कोरोना के कारण से जिसके परिवार में डेथ हुई है उनके लिए जो दी है उसको मैं इस मौके पे कहना चाहूंगा कि हमको गांव गांव ढाणी ढाणी में गली गली में ये बात बतानी पड़ेगी, ऐसे लोगों को चिन्हित करना पड़ेगा कि जिनका इस योजना का जिनको लाभ मिल सकता है जो इसके अंदर पात्र हैं उन लोगों तक हमको ये बात पहुंचा के उनको एक एक व्यक्ति को जाकर के उसका लाभ दिलाना चाहिए। क्योंकि सरकार कोई योजना लेकर के आती है तो वो केवल पार्टी पॉलिटिक्स के लिए लेकर के नहीं आती है, वो सबके वेलफेयर के लिए सबके कल्याण के लिए लेकर के आती है। तो मैं समझता हूँ जो मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना है एक बहुत अच्छी योजना है। केंद्र ने कहा था कि हम 18 साल का होगा तो उसको 10 लाख देंगे, वो कोई फायदे वाली नहीं थी, उससे कोई 18 साल बाद में कौन जिएगा कौन मरेगा, कब कोरोना की तीसरी लहर आएगी क्या नहीं होगा, किन बच्चों के स्वास्थ्य का क्या होगा, उनकी शिक्षा का क्या होगा, कोई उनका कोई मैप नहीं था, कोई गाइडलाइन नहीं थी। तो जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए 1 लाख रुपए एक मुश्त में और 18 वर्ष तक हर माह 2500 रुपए और अनाथ बच्चों के लिए 100 करोड़ का बजट रख करके ये योजना शुरू की गई है। नेहरू बाल संरक्षण कोष का गठन करना 100 करोड़ रुपए का और फिर वात्सल्य योजना और उसके बाद में ये जो लालन पालन के लिए वात्सल्य योजना और फिर देखरेख के लिए आगे समर्थ योजना, एक मुश्त जो है 5 लाख रुपए 18 साल का होगा तो जो अनाथ बच्चे होंगे उनके परिवार को दिए जाएंगे और जो विधवा हैं जिसके पति खत्म हो गए हैं उन बच्चों के पिता खत्म हो गए हैं तो वो विधवा हो गई तो उस विधवा को 1500 रुपए पेंशन की देना, 1000 रुपए प्रतिमाह के देना और 1 लाख रुपए एकमुश्त देना। ये सब चीजें जो है वो ये दर्शाती हैं कि हम सबको साथ लेकर के सबके कल्याण के लिए जो इस पीड़ा जिनकी हुई है जिनके घर में डेथ हुई है उनको हम किस तरीके से संबल दें और वो संबल भी इस तरीके का कि उनकी शिक्षा लालन पालन उनकी देखरेख उनके आगे जाकर के पढ़ाई में दिक्कत नहीं आई, उनके ड्रेस के लिए क्या व्यवस्था होगी, उनके स्कूल जाने की क्या व्यवस्था होगी। हमारी सरकार ने ये भी तय किया है कि जो 25% प्राइवेट स्कूलों में RTE के तहत हम लोग एडमिशन देते हैं, हम लोग इंग्लिश मीडियम जो खोल करके जो एडमिशन दे रहे हैं, हम जो विवेकानंद मॉडल स्कूलें हैं उनमें भी हम इन अनाथ बच्चों को या जो इस कोरोना के कारण से जिनके पति की डेथ हो गई उनके बच्चों को उन विधवा महिला के बच्चों को हम लोग ये इसके देंगे कि उनमें प्रायोरिटी देंगे कि इनको भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ने का मौका मिले, अच्छी प्राइवेट स्कूल में मिले तो 25% जो हमारा RTE का मापदंड है उसके हिसाब से उनको पढ़ने के लिए उनकी ड्रेस के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी का कि 1 से 8 तक के बच्चों के लिए PAB में हम लेके गए थे, लेकिन कुछ लिमिटेड बजट हमको मिला था लेकिन 85 करोड़ रुपए और राज्य सरकार की मदद से देख करके जो मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि सभी बच्चों को चाहे वो किसी भी वर्ग के हों SC ST OBC सबको हम लोग फ्री ड्रेस देंगे। तो इस कोरोना काल में ऐसे जो फैसले हैं मैं समझता हूं कि सरकार ने मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए जो फैसले किए हैं इसकी भूरी भूरी सब जगह प्रशंसा हो रही है, इसमें कहीं कोई मिनमेक वाली बात नहीं है। हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी तमाम जो हमने बनाए थे कोविड के दौरान जो हमारे
जगह जगह पर हमने सेंटर खोले और बना करके हमने सबकी जितने मास्क बांट सकते हैं, विधायक एम्बुलेंस दे रहे हैं, सीएससी पीएससी में 1-1 करोड़ रुपए दे रहे हैं, एमएलए कोटा पूरा का पूरा उसमें देने के लिए तैयार हैं। और हमने तो यहां तक भी हमारे विधायकों ने लिख के दे दिया कि हमारा जितना कोटा है उतना कोटा आप हेल्थ में जरूरत पड़े तो ले लीजिए। तो ये हमारी पार्टी के लोगों ने बहुत एक अच्छा काम किया जिसके कारण से एक माहौल बना, लोगों में ये लगा कि हाँ सरकार हमारे साथ में है और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हेल्थ का इतना अच्छा मजबूत हुआ कि आज लोग ये कह रहे हैं कि भाई भगवान ना ही करे तीसरी वेव आए, लेकिन अगर कहीं कोई संकट आएगा तो राजस्थान में एक ऐसी सरकार है अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कि वो बहुत अच्छे तरीके से हमको संभालेगी। एक विश्वास जो जगह है मैं समझता हूं वो अच्छी बात है। एक मैं कहना चाहूंगा पार्टी की तरफ से भी, चूंकि प्रदेश अध्यक्ष हूं, तो हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने माननीय मुख्यमंत्री जी एक निर्णय लिया है और उस निर्णय के तहत हम लोग 1-2 दिन में इसको बना करके एक प्लान बना करके देंगे कि 30 दिन तक हमारा कार्यक्रम चलेगा। प्रत्येक नेता प्रत्येक कार्यकर्ता हम सब लोग मिलकर के गांव-गांव में जाएंगे। ये जो कोरोना योद्धा के रूप में हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, 1-1 ब्लॉक में 10-10 लोग चिन्हित कर रहे हैं, फिर जिले के अंदर उनके ऊपर कर रहे हैं, फिर स्टेट में उनको कोऑर्डिनेटर बना रहे हैं। हम एक भी घर ऐसा नहीं छोड़ेंगे जहां कोरोना हुआ वहां पर। हमारा लक्ष्य यही है, हमारी पार्टी का लक्ष्य यही है कि हम लोग उनको पूछें कि भाई आपके कोई डेथ हो गई क्या, पॉजिटिव हुए थे क्या, कितने लोग हुए, आपकी डेथ हो गई तो इन योजनाओं का राज्य सरकार के द्वारा जो योजना है इसकी जानकारी आपको है कि नहीं, इसका लाभ आपको लेना चाहिए, और उनको पंजीकृत कराएंगे, लाभ दिलाएंगे। उसके बाद में आपकी कोई नौकरी गई क्या, आपके भोजन की व्यवस्था है कि नहीं है, आपके कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई खाने की कपड़े की शिक्षा की ड्रेस की बच्चे के लिए और कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये सारी चीजें हम लोग एक कैंपेनिंग चला करके 30 दिन तक हम लोग जाएंगे क्योंकि हमारा धर्म बनता है, हम पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं तो हमारा धर्म बनता है कि हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके हम सरकार की योजनाओं को उन तक पहुंचाएं, जो सरकार उनको बेनिफिट देना चाहती है, उनको संबल देना चाहती है, उसको हम लोग जाकर के बताएं। और मैं समझता हूं कि हम प्रत्येक व्यक्ति का जो कोरोना संक्रमित हुआ या उसके कोई नुकसान हो गया किसी भी तरीके का या उसको कोई मदद चाहिए, वो आंकड़ा हम लोग 30 दिन के बाद में हम AICC को भी भेजेंगे और हमारी सरकार को भी, हम मुख्यमंत्री जी आपको भी प्रेषित करेंगे जिससे आप एक देख सकें कि किन योजनाओं में कितने लोगों को लाभान्वित हुआ, क्या क्या लोग क्या क्या लाभ चाहते हैं, क्या उनके समस्याएं हैं। कहीं खाने के पैकेट की नहीं हो तो आपने 25 लाख रुपए जो कर रखे हैं मैं समझता हूं वो MLA दे देंगे, MLA नहीं देंगे तो सरकार के लिए कोई ना कोई व्यवस्था करेगी। इंदिरा रसोई जो अच्छी चल रही है उसमें भी बहुत अच्छी बात है, उसको भी हम लोग इसको आगे और बढ़ा सकते हैं। जो ऑक्सीजन के हमारे प्लांट लग रहे हैं ये भी एक बहुत अच्छी व्यवस्था है। PSC CSC मजबूत हो रही हैं, यहां से स्टेट से भी काफी ऐसा सामान जा रहा है। और मैं एक बात अंत में ये कहना चाहता हूं कि सरकार अच्छा काम कर रही है, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने हिसाब से कर रही हैं। ये एक दिगर बात है कि हमारी बार बार मांग के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के 25 में से 25 MP जीते, लेकिन वो जाकर के मोदी जी को ये बात नहीं कह सके कि हमको वैक्सीन फ्री दीजिए, ये आपने जो पॉलिसी चेंज की है ये क्यों की है, किस तरीके से हमको पीड़ा दे रही है, और कोई ऐसी योजना वो लेकर के आए, पानी के लिए जो समस्याएं हैं उनके लिए भी जो रेशियो चेंज करने की बात आ रही है, या ज्यादा फंड देने की, या विशेष पैकेज देने की बात है, या जो कृषि के बिलों की भी बात है उसमें भी वो लोग अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं जो किसानों को तकलीफ दे रहे हैं। तो मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा कि जो उनको भूमिका निभानी चाहिए, क्योंकि केंद्र में उनकी सरकार है और उनका चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हमको राज्यों को, जिस राज्य से हम चुनाव जीत करके गए हैं उस राज्य के लोगों को परेशानी में हर वर्ग को कैसे मदद मिले, ये बात उनको चाहिए। यही हम आग्रह करते हैं, हमने कभी आरोप किसी चीज का नहीं लगाया, हम तो केवल एक ही बात कहते हैं कि आप स्टेट को मदद दीजिए और स्टेट और केंद्र मिलकर के हम लोगों की जान बचाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन करें। तो यही हमारा उद्देश्य है, इसी उद्देश्य के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। 2-3 चीजें जो आ रही हैं, एक तो जो विदेश में खाड़ी देशों में जो लोग जाना चाह रहे हैं उसके लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा। वैसे तो आज से इस बात को स्वास्थ्य विभाग ने मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, शुरू कर दिया अलग से कैंप लगा करके उनको प्रायोरिटी देने का काम हो। तो ऐसे जो वर्ग हैं या विकलांग जो लोग हैं जो आ नहीं सकते सेंटर तक, उनको घर के लिए कैसे व्यवस्था हो। एक स्कूलें खुल गई हैं तो जो शिक्षक
स्कूलों में जा रहे हैं, अगर उनकी दूसरी डोज नहीं लगी है तो उसके दूसरी डोज की हम कैसे प्राथमिकता तय करें, अगर एक भी नहीं लगी है तो उसके हम डोज लगाने की बात करें, क्योंकि स्कूलें खुल नहीं रही हैं और दूर दूर तक दूरस्थ में फैला हुआ हमारा जो सिस्टम पूरे प्रदेश में जिस तरीके से है, तो ऑनलाइन व्यवस्थाएं जो सरकारी उसमें हो नहीं सकती, लेकिन उसके लिए भी हम लोग हमारे विभाग की तरफ से जितना प्रयास हम कर सकते हैं, वो ई कक्षा के माध्यम से हो, स्माइल प्रोजेक्ट के माध्यम से हो, दूरदर्शन हो, वर्कबुक हो, आओ घर से सीखे, बैक टू होम, मतलब कई तरह के हम प्रोग्राम बना रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि हम लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित भी रहे और आगे उनका भविष्य स्वर्णिम भी हो, इसके लिए पढ़ाई भी बाधित नहीं हो, तो तमाम लोग हम मिलकर के एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं। मैं तो आग्रह करना चाहूंगा तमाम लोग जो इसी से जुड़े हुए हैं, यही एक समय है जिसमें जनप्रतिनिधि की परख होती है, अधिकारी की परख होती है, व्यक्ति की परख होती है। तो हमारे तमाम जो मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, पुलिस से जुड़े हुए लोग हैं, इन्होंने अपने आप को साबित किया है। शिक्षा विभाग के 70,000 जो शिक्षक थे, पीओ वगैरह थे, वो एक दिन भी छुट्टी नहीं मनाई, उन्होंने भी अपना जो है वो समय देकर के लोगों को जागरूक करने का काम किया है। अब हम सब मिलकर के सरकार, संगठन, एनजीओ, तमाम लोग, तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग मिलकर के एक जागरूकता अभियान, जैसे हमने पहले मास्क बांटने का किया था, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए किया था, वो चीजें हम लोग आगे से आगे करेंगे, तो मैं समझता हूं ज्यादा से ज्यादा हम लोग जीवन उनकी बचा सकेंगे। और तीसरी जो वेव आने की बातें चल रही है, ईश्वर करे ना आए, लेकिन अगर आती है तो हमको इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, वो तैयारी हम लोग करें। आपने समय दिया, मैं समझता हूं कि इसके लिए मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन हमारा लक्ष्य सबका एक ही है कि हम सब मिलकर के लोगों के लिए जितनी जो पीड़ा हुई है उसमें कैसे मदद कर सकते हैं और आगे हम किस प्रकार से अग्रिम तैयारी कर सके, ये सब इस सोच के साथ में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग मंत्री श्री शांति धारीवाल जी से उनके उद्बोधन के लिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सम्माननीय हमारे विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी साहब, राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर रघु शर्मा साहब, शिक्षा मंत्री डोटासरा साहब, भाटी साहब और अशोक चांदना साहब, तथा हमारे तीनों डॉक्टर्स जो हमेशा से हमें वस्तु स्थिति से अवगत कराते रहते हैं, डॉक्टर भंडारी साहब, विजय बाबू पवार साहब और डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी, इसी के साथ साथ सारे कलेक्टर्स, जिला प्रमुख, मेयर, सभापति, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेजेस, जो भी उपस्थित हैं, जो भी से वीसी से जुड़े हुए हैं, तथा जेसी मोहंती जी, एनएसएस के, एनसीसी के और स्पोर्ट्समैन वगैरह, तथा जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, वो जो सब जुड़े हुए हैं, मैं उनको सबको संबोधित करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये तो आपकी दूरगामी सोच थी और दूरगामी सोच के साथ साथ ये कड़ी मेहनत थी और आपका ये नेतृत्व था कि जिसके वजह से आज हम जो है ऐसे कदम उठा सके, ये सजग कदम जो उठे उन्हीं के कारण जो है आज हमने दूसरी लहर पर काफ़ी कुछ काबू पाया है। देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी एक अपना राजस्थान का एक स्तर जो है वो कायम हुआ है, मुकाम हासिल हुआ है। और मैं इनको, हेल्थ मिनिस्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जैसा उन्होंने बताया, और उनके साथ ही अखिल अरोड़ा साहब को और उनकी टीम को भी धन्यवाद देता हूँ कि राजस्थान प्रथम आया है वैक्सीनेशन में। ये जानकर के बहुत, जो भी इस बात की जानकारी रखेगा निश्चित तौर पर जो है वो धन्यवाद अपनी तरफ से अर्पित करेगा। मुख्यमंत्री जी, अब कैसे ये जो महामारी की जो दूसरी लहर आई, ये अपने साथ अपनी बहनों को भी ले आई और सहेलियों को भी ले आई। जैसे ब्लैक फंगस, येलो फंगस, वाइट फंगस, और आज तो समाचार पत्रों में एक नया ग्रीन फंगस भी आ गई है। अब ये एक नई चीज आई है सामने, ये एक मुसीबत और पल्ले पड़ गई। तो मैं ये देखना चाहता हूँ आप
कम से कम राजस्थान में, दूसरे प्रदेशों की तो हालत छोड़िए, गंगा में शव बह रहे हैं, गाड़े जा रहे हैं, जगह जगह गाड़े जा रहे हैं, लेकिन दूसरे राज्यों का हाल देखें तो किसी भी राजस्थान की किसी भी नदी या किसी भी बांध में तैरती हुई लाशें नहीं मिलेंगी। चंबल है, काली सिंध है, पार्वती है, परवन है, माही है, वगैरह 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 कई तरह के बांध, कहीं पर भी कोई इस प्रकार की घटना आपको यहाँ पर देखने को मिली, राजस्थान की जनता को देखने को नहीं मिली। जाने किस किनारे पे जो है ये लाशें पड़ी हुई होंगी, कोई पता नहीं, ये ऐसा वाकया यहाँ पर देखने को नहीं मिला। इसीलिए विदेशों में ये पूछा जा रहा है, विदेशों के लोग पूछ रहे हैं कि राजस्थान में ऐसा क्या मैनेजमेंट हुआ, ये किस तरीके से इतनी सफलता से जो है दूसरी लहर को जो है आराम से उसको खत्म कर दिया, उसको रोक दिया गया, बुरी तरह से प्रभावित। अकेला भारत, लोग पूछते हैं वहां पर कि यह अकेला भारत ही क्यों इतना प्रभावित हुआ, क्या वजह थी इसका, क्यों हुआ, हुआ क्यों, ये सब जानते हैं कि यहाँ से सिर्फ ड्रामा होता रहा, डींगे भर करके भाषण होते रहे और लंबी लंबी छोटी छोटी बातें होती रहीं, उसी के वजह से ये सब कुछ हुआ। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने जो कदम उठाने के लिए क्या आदेश जारी करके, और आपने जो ये काम किया, जैसे मास्क की अनिवार्यता, अब ये पूरे देश में किसी भी राज्य में का अनिवार्यता का कानून नहीं है, लेकिन आपने बनाया और लग गया, अरे कानून बन गया बाकायदा, हर आदमी लाजमी तौर पर अगर निकलेगा घर से तो मास्क लगा के निकलेगा, कहीं पर भी ऐसा कानून नहीं है। तो मैं आपसे 1.5 करोड़ निशुल्क मास्क बांटे गए राजस्थान में, ऐसा कहीं किसी भी राज्य में इस प्रकार का ये काम नहीं किया गया, 1.5 करोड़। कोविड की ड्यूटी में जितने भी आपके संविदा कर्मी लगे हुए थे और इसके साथ साथ जो फ्रंटलाइन वर्कर्स लगे हुए थे, अगर उनको इनकी ये इन्फेक्शन से अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो 50 लाख रुपए देने का भी आपने जो है क्या नाम है ये की घोषणा की, ये कहीं पर भी नहीं है। राजस्थान पहला प्रदेश है जहाँ पर इस प्रकार की घोषणा की गई आपके द्वारा। दूसरी लहर पूरे प्रदेश में घातक रही, इन्फेक्शन रेट भी ज़्यादा रही और डेथ रेट भी ज़्यादा रही, ये दोनों ज़्यादा रही, लेकिन आपने जन अनुशासन पखवाड़ा, फिर महामारी के ये रेड अलर्ट के बाद में वीकेंड और फिर लॉकडाउन, उससे काफ़ी कुछ कंट्रोल जो हुआ, इसे इस कोविड पर काबू पाने के लिए ये सब साथ जो कुछ किया आपने, आगे भी करने की जरूरत है, क्योंकि आज जिस तरीके की सूचना आई है कि सब दो रोज के अंदर अंदर जो है कोविड के पेशेंट बढ़ गए हैं, तो आगे भी हमें जो है सचेत रहना। मैं समझता हूँ कि आप जो भी क्या नाम आदेश देंगे निश्चित तौर पर जो है उसकी पालना की जाएगी। जहाँ तक मेरे विभाग का सवाल है, हमारे विभाग का सवाल है, तो नगरीय निकायों के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। 237 लाख लीटर सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव भी किया, क्वारंटाइन सेंटेंस का चिन्हीकरण किया, 1.5 करोड़ मास्क बांटे गए, 1.25 करोड़ आपके अपील और उनकी जो पेम्पलेट वगैरह बांटे गए, इसी के साथ साथ 33 लाख जरूरतमंदों को इंदिरा रसोई के मार्फत जो है उनको निःशुल्क भोजन दिया गया, बिठा के खिलाया गया। इसी के बाद 73,141 स्ट्रीट वेंडर श्रमिकों को एवं उनके परिवारों को पृथक चरण में सहायता राशि 3,500 रुपये बांटी गई। द्वितीय चरण में 1,17,000 को 1,000 रुपये की जो है आर्थिक सहायता दी गई, तथा लगभग 50,000 स्ट्रीट वेंडर्स को व्यवसाय करने के लिए काफ़ी 10,000 रुपये जो है वो लोन के बतौर दिए, मामूली ब्याज पर लोन के बतौर दिए गए। आर्थिक देह को कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था, जब आदमी मर जाता था तो कोई भी उसको हाथ नहीं लगा करके उसको, उसके परिवार वाले भी जो है उसको जो दफनाने वो शमशान नहीं ले जाया करते थे, लेकिन वो भी नगरीय विकास विभाग के कर्मचारियों के द्वारा जो है पार्थिव देह को अंतिम संस्कार स्थल तक निशुल्क एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई। कोविड प्रोटोकॉल के तहत में उनको सम्मानपूर्वक
अंतिम संस्कार जो है उनका महत्व के अंतिम संस्कार के जैसा महत्वपूर्ण कार्य किया गया। मुख्यमंत्री जी, कोरोना वायरस से बचाव का एकमात्र हथियार ऑक्सीजन, दवाइयां और वैक्सीनेशन है। केंद्र सरकार के द्वारा इस दौरान बीजेपी शासित राज्यों में राज्यों को तो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन भी दे दी गई, दवाइयां भी दे दी गई और जो है वैक्सीनेशन भी दिया गया। लेकिन हमारे साथ जो है ये पक्षपात किया गया। अनेक बार मांगने के बाद भी हमें जो है हमारी मांग को नहीं माना। आपने भी कई बार प्रधानमंत्री जी से बात करी, आपने कई बार गृह मंत्री जी से बात करी। हम तीन मंत्री दिल्ली के बाजारों में भीख मांगते रहे ऑक्सीजन के लिए, लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी। मुख्यमंत्री महोदय, आपने शुरू में ये कहा था कि हमें ये आह्वान किया था आपने कि हमें स्वयं सक्षम बनना है, और उसी के साथ साथ आपने ये कहा था कि राजकीय चिकित्सालयों को ऑक्सीजन की उपलब्धता एवं आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। इस आदेश की पालना करने के लिए हमारे विभाग के द्वारा 86 नगरीय निकायों को, मतलब 86 शहरों में नगरीय विकास न्यास एवं नगर परिषदें, नगर पालिकाएं के द्वारा जो है ये ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं। 131 ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं। जुलाई तक ये काम पूरा हो जाएगा और 120 मेट्रिक टन जो है ऑक्सीजन इससे जो है का प्रोडक्शन इससे होगा। केंद्र सरकार का जब ये दायित्व था कि वो सभी को निशुल्क वैक्सीन और ऑक्सीजन और दवाइयाँ उपलब्ध करावे, अपने साथ क्या हुआ जो सब मेरे हेल्थ मिनिस्टर साहब ने भी बता दिया, शिक्षा मंत्री जी ने बता दिया कि अपने साथ कितना हुआ कि साहब तुम इंतजाम करोगे, तुम्हें इतने रुपये में जो है वैक्सीन मिलेगा, ये होगा वो होगा, उन बातों में नहीं जाना चाहता। जहाँ तक सवाल इस बात का है कि आपके नेतृत्व में जिस तरीके का इलाज और जिस तरीके का जीतोड़ परिश्रम यहाँ के लोगों ने किया है, चिकित्सा विभाग के लोगों ने किया है कि और लोगों ने भी किया है, निश्चित तौर पर जो है वो सब बधाई के पात्र हैं। केंद्र की चेतावनियों के बावजूद भी कई बार वैज्ञानिकों ने चेतावनियाँ दी और उन चेतावनियों को केंद्र सरकार के द्वारा की उपेक्षा की गई। मंदबुद्धि राजनेताओं के द्वारा चुनाव आयोग की छूट का भरपूर फायदा उठाकर बड़ी बड़ी रैलियां निकाली गई और कुंभ के मेले का आयोजन कर दिया। नतीजा ये हुआ कि आज देश की जनता कहती है कि मैं हूं तो मुमकिन है, अब वो कहते हैं कि तुम हो तो मुश्किल है, ये नारा चल गया। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि जिस प्रकार से आपने कड़ी मेहनत करी है और सफल नेतृत्व तो आपके वक्त में जो मिला है उससे निश्चित तौर पर चिकित्सा विभाग तो प्रफुल्लित होगा ही सही, क्योंकि उन्होंने मेहनत जो की उसका रिजल्ट भी सामने आया है। मैं आशा करता हूं कि आगे भी अगर तीसरी लहर की बात होगी तो हम सब जो है आपके आदेश के अनुसार हर चीज़ के लिए तैयार रहेंगे और आशा है कि हम जो है तीसरी लहर का मुकाबला आसानी से कर पाएंगे। जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं निवेदन करता हूँ माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा श्री टीपी जोशी जी से उनके उद्बोधन के लिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रिमंडल के सदस्य माननीय धारीवाल साहब, स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी, भामर सिंह जी भाटी, सम्मानीय गोविंद सिंह जी डोटासरा, अशोक जी चांदना साहब, चीफ सेक्रेटरी विभाग के अधिकारीगण, विभिन्न जिलों से जुड़े हुए जिला महोदय, उनके साथ जुड़े हुए जनप्रतिनिधिगण, NSS और NGO के हमारे साथी उपस्थित भाइयों, सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने ये VC रखी है वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में सहभागिता बढ़ाने के लिए। और वैक्सीनेशन की क्या महत्ता है इसकी चर्चा अभी हमारे डॉक्टर साहब राजा बाबू भंडारी साहब और वीरेंद्र सिंह जी ने की, और जो जनप्रतिनिधि सुन रहे हैं उन जनप्रतिनिधियों की बहुत बड़ी भूमिका। जब महामारी का पहला फेज था तो माननीय मुख्यमंत्री जी आपने क्वारंटाइन का
लोगों को आह्वान किया था और जिलाधीश के माध्यम से हर गांव में हमने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जो लोग बाहर से आए थे, जो शहर से छोड़कर बाहर से आए थे, उन लोगों को हमने क्वारंटाइन किया था, ये सोचकर कि जो लोग बाहर के शहर से आ रहे हैं, गांव में आ रहे हैं, उससे महामारी फैल जाएगी। उस समय सबसे ज़्यादा प्रभावशाली भूमिका किसने निभाई, तो ये जो सरपंच, वार्ड पंच और जो जनप्रतिनिधि बैठे, उन्होंने भूमिका निभाई। महामारी का जो पहला दौर था, उस दौर में आपके प्रबंधन के माध्यम से, इन जनप्रतिनिधियों की भूमिका से हमने प्रभावशाली ढंग से महामारी का मुकाबला किया। ये श्रेय आपको जाता है, आपके मंत्रिमंडल के साथियों को जाता है। और जब दूसरी महामारी आई, तब तक हमने कल्पना नहीं की थी कि दूसरी महामारी की रेल आएगी। पर मैं आज स्मरण दिलाना चाहता हूँ वीरेंद्र सिंह जी ने जो बात की, उस बात की कि वैक्सीनेशन का जो फिगर उन्होंने दिया है कि हमने वैक्सीनेशन राजस्थान में 62% किया 60% की अबो पॉपुलेशन से। और इसीलिए जो सेकेंड फेज आया, तब हमने देखा कि जो कैजुअल्टी हुई है, वो कैजुअल्टी कम हुई है क्योंकि राजस्थान में 60% से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन ज़्यादा हो गया और दूसरे हिंदुस्तान की जगह जगह पर वो वैक्सीनेशन कम हुआ, तो उस एज ग्रुप में ज़्यादा मृत्यु हुई। एक फिगर तो ये, दूसरा ये, दुनिया के जितने भी वैज्ञानिक या डेवलप कंट्री हैं, वो आज भी इस स्थिति में नहीं है कि इस महामारी का मुकाबला कैसे करें। एक बात में कॉमन चीज़ है, सभी लोग ये कह रहे हैं मास्क लगाना ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंस में लगाना जरूरी है, सफाई करना जरूरी है। डॉक्टर राजा बाबू बैठे हैं, भंडारी साहब बैठे हुए हैं, मैंने उस दिन भी कहा और आज भी कहना चाहता हूं, एक ब्रांच आपकी है मेडिकल की, वो PSM, प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन। अभी तक जो हम जो सब काम कर रहे हैं, वो सब काम कर रहे हैं बीमारी होने के बाद उस बीमारी को ठीक करने के लिए क्यूरेटिव चीजें हम कर रहे हैं। याद करिए, महामारी के पहले फेज में हमने प्लाज्मा की बात की, आज कोई प्लाज्मा की बात नहीं कर रहा है। हमने रेडीमेड दवाई की बात की, HIV के माध्यम से दवाई व्यवस्था करने की बात की, सेकंड फेज में कोई बात नहीं कर रहा। सेकंड फेज के बाद नई चीजें हो गई, आज की डेट में हमने स्टेरॉइड ज्यादा दिए, उसके फॉलोआउट हो गए। तो कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब यह है कि प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन जो ब्रांच है, उस ब्रांच के पास ये स्टैटिक्स अवेलेबल होनी चाहिए कि हमें वैक्सीनेशन के टारगेट को कैसा पूरा करना है और ये जो जनप्रतिनिधि बैठे हैं उनका हम किस तरह से उपयोग ले सकते हैं। मैं आपको फिगर जो आपने दिए उसी फिगर को बताना चाहता हूं मैं। अब आपका टारगेट है 18+ के पॉपुलेशन का, जो महाजन साहब ने फिगर दिया वो फिगर बता रहा है कि हमारा राजस्थान का जो एवरेज है 28% है, उसमें सबसे कम परसेंटेज 18% का है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इस देश में निर्णय किया कि हम वैक्सीन के लिए 3,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था करेंगे। आपने एक विश्वास पैदा किया लोगों के सामने कि यदि सरकार के पास वित्तीय संसाधन की कमी होगी तो सरकार वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था करेगी, लेकिन वैक्सीनेशन को उपलब्धता कराएगी। आज वैक्सीनेशन की उपयोगिता सभी जानते हैं, थर्ड वेव आएगी ये एक नेचुरल फेनोमेना है। आज दुनिया में जिस तरह की थर्ड वेव, फोर्थ वेव आ गई है, वो निश्चित तौर पर हमें मानना चाहिए कि हमने पहली फेज के समय में भी न हमारे देश के नेताओं ने न वैज्ञानिकों ने सोचा कि सेकेंड फेज आएगी। और सेकेंड फेज आने के बाद आप याद करिए माननीय मुख्यमंत्री जी, केवल मात्र दो एक फोर्टनाइट में 7 मई से 21 मई तक बहुत से लोगों की मृत्यु इसलिए हो गई कि ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं थी। गांव के गरीब आदमी को यह मालूम नहीं था कि मैं 2 दिन तक यदि बुखार को सहन कर लूंगा तो मेरा ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा। उस गांव के गरीब आदमी के पास ऑक्सीमीटर नहीं था, पर जैसे ही उस तकलीफ में आया, अस्पताल पहुंचने गया और आप पता लगा कि हमारे पास ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है। आपने व्यवस्था की ऑक्सीजन की, बड़े व्यापारी ने व्यवस्था की, उसके कारण लोगों की जान बची, लेकिन ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं होने के कारण हम कोरोना के सेकेंड फेज में गांव में रहने वाले आदमियों की, बहुत से आदमियों की जान नहीं बचा पाए। पर याद करिए, पहले फेज में जब कोरोना आया था तब गांव का आदमी ही इस कोरोना से इफेक्टेड नहीं हुआ था, केवल मात्र शहर का आदमी रहा था। तब हम कह रहे थे कि रामगंज मंडी में सफाई नहीं है, तब हम कह रहे थे दूसरी जगह सफाई नहीं है, अर्बन इलाके में जहां पर गंदगी थी, सफाई नहीं थी, उसके कारण सबसे ज्यादा पहले फेज का इम्पैक्ट अर्बन जगह पर पड़ा। तब गांव का आदमी, जो गरीब आदमी है, जो गांव, जो शहर छोड़कर आया था, उस गांव के आदमी ने पूरा सस्टेन किया नरेगा के माध्यम से, अपने जीवन को अपने सस्टेन किया और गांव में नरेगा नहीं फैला और इस देश में सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन उस समय हुआ जब महामारी का फर्स्ट फेज था, क्योंकि गरीब आदमी को गांव में मालूम था कि स्वच्छ वायु जो है
जो मास डिस्टेंस बनाने का काम है, जिस तरह के वहां घरों की बजा बसावट है, उसने फर्स्ट फेज के इस इंपैक्ट को रोक दिया। ये आज हमें इन्फ्लुएंस करने की जरूरत है, उस समय हम इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए। ठीक उसी प्रकार सेकंड फेज को भी हम देखें, सेकंड फेज में अर्बन में इंपैक्ट कम हुआ, लेकिन रूरल में इंपैक्ट इसलिए हो पाया कि वो आदमी जो गांव का गरीब आदमी है, जो ट्रेडिशनली ये मौसम बदलते समय जब उसकी बीमारी होती है तो वो काढ़ा ले लेता है और कोई बात कर लेता है, बुखार को सहन कर लेता है, वो तीन दिन तक उसने बुखार सहन किया और ऑक्सीजन की कमी हो गई, इसलिए उसके बाद जाकर ये तकलीफ पैदा हो गई। और हमने अच्छा व्यवस्था की, तो मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि हमारी जो व्यवस्था जिसका श्रेय आपको जाता है, आपकी सरकार को जाता है, वो क्यूरेटिव मेजर्स है। बीमारी फैल गई, उसकी व्यवस्था करने का काम हमने अच्छा किया। महामारी फर्स्ट में, महामारी दूसरी बार आई तो हमने उसको अच्छा ढंग से काम किया और मेडिकल का बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आपने खड़ा किया, उसके लिए भी आपको साधुवाद। और तीसरे फेज कैसे आएगा न इसकी जानकारी किसी को है, लेकिन एक बात की जानकारी सबको है, जिसको हमें डेटा देख के समझना चाहिए कि गाँव का गरीब आदमी सबसे ज्यादा जो खुले वातावरण में रहता है, जो अलग अलग डिस्टेंस में रहता है, उस आप आंकड़े उठा के देख ले, उनकी कैजुअल्टी नहीं हुई है। इसलिए मैं सबसे पहले जो हमारे मेडिकल के जितने भी प्रोफेशनल आपके साथ बैठे हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि डेटा को एनालिसिस करें। जो लोग महामारी फर्स्ट में, महामारी सेकंड में जो लोगों की डेथ हुई है, उनका सोशल प्रोफाइल क्या है, किस तरह का उनका बैकग्राउंड है, उन बैकग्राउंड को समझ कर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारी रणनीति प्रभावशाली ढंग से लागू होगी। और ये आज की डेट में सभी कह रहे हैं कि देश में 70% लोगों को जब तक वैक्सीन नहीं होगा तब तक हम इस महामारी का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। अभी आंकड़े बताए, 2 करोड़ से ज्यादा हमने डोज दे दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आई बैक टू डिफर, मैं आपसे कहना चाहता हूं ईमानदारी से, आपके पास ये आंकड़े उपलब्ध होने चाहिए कि जैसे कि आप भी जानते हैं और सारे लोग जानते हैं कि वैक्सीन की उपलब्धता कम होगी, भारत सरकार हमको वैक्सीन कम देगी, क्योंकि उपलब्धता ही नहीं है उनकी, जितनी प्रोडक्शन ही नहीं है। जब वैक्सीन कम उपलब्ध है तब हमें किसको टारगेट करना है, ये जानकारी यदि आज मेडिकल डिपार्टमेंट उपलब्ध कराए तब हम टारगेट कर सकते हैं कि पहला डोज हमें किसे देना है। पहला डोज देने के समय में यदि हमें अभी हमारा 49% जो पॉपुलेशन को और कवर करना है, वो 49% पॉपुलेशन कौन सी हो सकती है। मैं समझता हूं कि इस बारे में मैं सबसे पहले आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने कल वीसी की थी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, सबसे ज्यादा वैक्सीन कम हो रहा है जो ट्राइबल इलाका है। मेरे इलाके में जो पंचायत है जहाँ ट्राइबल के भाई रहते हैं, वहां वैक्सीन का ऑन एन एवरेज 10% है, डिस्ट्रिक्ट का एवरेज 28% है और ट्राइबल का एवरेज 10% है। 10% इसलिए कि गांव का गरीब आदमी टीका लगाने से डरता है। अब आपको हिस्ट्री 50 साल 60 साल की देखनी पड़ेगी, गांव में आज भी जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मेडिकल का ठीक नहीं था तब गांव में जो जिसको हम छोला झोला जब डॉक्टर कहते हैं, जो RMP और LMP आदमी थे, वो गांव में जाकर मेडिकल की व्यवस्था करते थे। वो मेडिकल की व्यवस्था करने के कदम में वहां पर यदि किसी का इंजेक्शन से डेथ हो जाती थी तो वो आदमी इंजेक्शन को बहुत लेट स्टेज पे यूज करता था, दवाई और टेबलेट देता था, उससे लोगों का इलाज होता था। तो गांव का गरीब आदमी आज भी इस बात के लिए कहता है कि जी मैं टेबलेट दे दो, मैं टेबलेट से ठीक हो जाऊंगा, लेकिन गांव का गरीब आदमी इंजेक्शन लगाने के लिए तैयार नहीं है। उस ग्रुप को टारगेट करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, हमें ये जो जनप्रतिनिधि है उन जनप्रतिनिधियों को हमें लिस्ट देनी पड़ेगी। यदि हमारे पास एक्स नंबर का वैक्सीन आ रहा है तो अगले 2 महीने में हम इस वैक्सीन को लगाने के लिए कौन से ग्रुप को टारगेट करें। सबसे पहले उस ग्रुप को टारगेट करें जो टीका नहीं लगा रहा, उस समुदाय के जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, तो उस समुदाय में पहले एजुकेशन नहीं थी, आज एजुकेशन आ गई है, आज ST में एजुकेशन आ गई है, आज माइनॉरिटी में एजुकेशन आ गई है, आज OBC में एजुकेशन आ गई है। तो आपको टारगेट करना पड़ेगा कि 2 करोड़ की आपकी डोज में समाज का कौन सा तबका जो वंचित है, जो टीका नहीं लगा रहा है, उस समाज के वर्ग को हमें मोटिवेट करने के लिए उस समुदाय के जो बच्चे पढ़े लिखे हैं उनको सबसे पहले वैक्सीन करके रोल मॉडल बनाकर हमें एम्बेसडर के रूप में उन समुदाय के लोगों के बीच में भेजना पड़ेगा जो खुद आगे आकर वैक्सीन लगाने का काम करें। इसे सबसे बड़ी आवश्यकता है रणनीति बनाकर अगले 2 महीने में जैसा भी भारत सरकार हमको वैक्सीन उपलब्ध कराए उन वैक्सीन का जुडिशियस उपयोग 49% उस पॉपुलेशन को एड्रेस करना है जो 49 पॉपुलेशन इससे डिप्राइव है। यदि हमने 70% पॉपुलेशन को वैक्सीन कर दिया, वो वैक्सीन करने की आपकी तैयारी है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका अच्छा है, अभी माननीय रघु जी बता रहे हैं जिस तरह की हमने तैयारी की है, कोई तकलीफ नहीं है, व्यवस्था कर लेंगे, लेकिन उपलब्धता तो वैक्सीन कमी होगी। वैक्सीन की जब उपलब्धता कम होगी तो राजस्थान में 70% पॉपुलेशन को टारगेट करने के लिए जितना हमारा वैक्सीन का आवश्यकता है उसका हम चार्ट बनावे, भारत सरकार कितना वैक्सीन देगी, कितने महीने में कितने वैक्सीन आएंगे, उस वैक्सीन को नीचे कैसे हम देंगे। और उस समय हम पंचायत के जो हमारे सरपंच है, वार्ड पंच है, माननीय मुख्यमंत्री जी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ,
वार्ड पंच 50 घर पर एक आदमी चुना जाता है, उस वार्ड पंच को हम लिस्ट देते हैं कि तुम्हारे वार्ड में ये चार परिवार हैं, जिन चार परिवार को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीनेशन करना है, तो वो चार आदमी को लेके आवे, वो 40 आदमी की लिस्ट नहीं बनावे। आज उल्टा हो रहा है, जैसे वैक्सीन के पता लगता है 100 आदमी जाकर लाइन पर खड़े हो जाते हैं। वैक्सीन उपलब्धता 60 है आपकी, तो आपका जो वातावरण है वो ठीक ढंग से नहीं बनेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो आपने दो महामारी का मुकाबला करने का जो प्रबंधन किया है, जिसका सभी देश में और सब जगह आपका जो वाहवाही हो रही है, उस प्रबंधन को आगे बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम रणनीति के आधार पर वैक्सीनेट करें। और रणनीति आधार पर वैक्सीनेट करने के बाद लिए आपके जो मेडिकल डिपार्टमेंट के डेस्क के पास स्टेटिस्टिक्स उपलब्ध होनी चाहिए, वो डेटा नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाए, डिस्ट्रिक्ट वाला लेवल पंचायत लेवल पर जाए, और पंचायत का लेवल वार्ड लेवल पर जाए, तब हम कह सके कि हमने अगले टारगेट बनाकर इन 49% को पॉपुलेशन को पूरा किया। अब सब लोग कहते हैं कि बच्चों के ऊपर आएगी, हमारे पास ये मेडिकल डिपार्टमेंट के पास ही फिगर होना चाहिए कि कितनी माँ बहने जो कितने हमारे प्रेग्नेंट है परिवार है जिनमें प्रेग्नेंसी है, उन प्रेग्नेंसी वाले परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर टीका लगाना चाहिए। कितने जो परिवार है जिनके 2-3 साल में बच्चे हुए हैं, जिनका एज ग्रुप 1 साल से लगा कर 4 साल है, उन परिवार को पहले वैक्सीनेट कराएं। मैं समझता हूँ कि जब तक हम स्पेसिफिक टारगेट बनाकर वैक्सीन नहीं करेंगे, तब तक वैक्सीन की जो उपलब्धता हमारी टारगेट तो बढ़ जाएंगे, पर जो वल्नरेबल सेक्शन है, जिस वल्नरेबल सेक्शन के बारे में हम भी नहीं जानते हैं कि तीसरा वेव किस पे अफेक्ट करेगा, जो फिगर अभी वीरेंद्र सिंह जी बता रहे हैं, वो फिगर ये बता रहा है कि हमने पहले 60% को वैक्सीनेट कर दिया, आज हम सेफ जोन में आ गए, 45% में हमने कर लिया, हम सेफ जोन में आ गए, अब हमारा पूरा का पूरा वल्नरेबल सेक्शन बचा हुआ 18 से 45 साल का और बच्चा जो है उनके परिवार का। इसलिए मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप वैज्ञानिक ढंग से इन आंकड़ों के माध्यम से, यदि जो आपके प्रयत्न उन प्रयत्नों में और आगे बढ़ेंगे, तो जिस कुशल ढंग से आपने दो फेज का महामारी का मुकाबला किया है, उसका महामारी का मुकाबला करके हम दुनिया हिंदुस्तान और दुनिया में एक उदाहरण बन सके, आप में क्षमता है, हमारे अधिकारियों में क्षमता है, हमारे जनप्रतिनिधियों में क्षमता है। मैं आशा करता हूँ कि उन क्षमताओं का उपयोग लेकर आप तैयारी करेंगे, जिससे आने वाले समय में हम देश में योगदान बता सकें कि हम चुने हुए जनप्रतिनिधि, जो राजीव गांधी के मन में कल्पना थी कि वार्ड पंच सरपंच जो है वो हमारे सबसे बड़े इफेक्टिव जानकार लोग हैं, उनकी क्षमताओं का उपयोग लेकर हमने वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को 100% टारगेट पूरा किया, और जितने जुडिशियस हमारे पास वैक्सीन उपलब्ध थे उसका पूरा का पूरा उपयोग लेकर राजस्थान में, राजस्थान हिंदुस्तान में पहला प्रदेश होना चाहिए जो 70% वैक्सीनेशन को कंप्लीट करें और 70% स्पेसिफिक टारगेट ग्रुप को पूरा करें, जिससे हम कह सकें कि हमारे यहाँ राजस्थान में 70% पॉपुलेशन का वैक्सीनेशन हो गया, जिससे जो आज वैज्ञानिक कह रहे हैं, डॉक्टर कह रहे हैं कि इस पर इंपैक्ट नहीं होगा उस आने वाले किसी भी लेयर का, चाहे थर्ड लेयर हो चाहे फोर्थ लेयर हो, उसकी तैयारी हम करते हैं, हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं निश्चित तौर पर समझता हूँ कि जो आपके प्रयत्न है वो प्रयत्न हम सफलता की ओर ले जाएंगे। मैं एक बार पुनः आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने वार्ड पंच से लेकर सब लोगों को इन्वॉल्व किया, आपने पहले पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को इन्वॉल्व किया, धर्मगुरु को अपने इन्वॉल्व किया, और आज आप चुने हुए जो हमारा सबसे बड़ा जनप्रतिनिधि है वार्ड पंच, इस लेवल के लोगों को आपने इन्वॉल्व किया, इनकी क्षमताओं का उपयोग लेकर जो डेटा है उसको ठीक नीचे ढंग से आप डेसीमेट करके जो वैक्सीन उपलब्ध करा रहे हैं भारत सरकार, उन वैक्सीन के माध्यम से राजस्थान के 70% पॉपुलेशन को आप वैक्सीनेशन करा पाएंगे और राजस्थान के लोगों को आप इस महामारी से बचाने के लिए सफलतापूर्वक आपके नेतृत्व में काम कर पाएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। एक बार मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूँ, मंत्रिमंडल के सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ और जनप्रतिनिधियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो आज इसी के माध्यम से इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। अब मैं निवेदन करना चाहूँगा राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी से उनके उद्बोधन के। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी साहब, हमारे वरिष्ठ नेता व नगर निकाय विकास के मंत्री धारीभाई साहब, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह दोतासा जी, उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री भंवर सिंह भाटी साहब, युवा मामलों के और खेल विभाग के मंत्री अशोक चांदना जी, चिकित्सा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग जी, चीफ सेक्रेटरी साहब नीरज आर्य जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर कुलदीप रांका जी, फाइनेंस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अखिल अरोड़ा जी जो मेडिकल हेल्थ के भी हैं, वैभव गैलेरिया जी,
भवानी सिंह देता जी, सिद्धार्थ महाजन जी, मंजू राजपाल जी, नानलाल मीणा जी, के पाठक जी, संदेश नायक जी, दीपक नंदी जी और डॉक्टर साहबान बैठे हैं हमारे, राजा बाबू पवार साहब, डॉक्टर सुधीर भंडारी जी, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी, कमिश्नर स्काउट व गाइड जे सी मोहंती जी, कर्नल जितेंद्र जी, स्टेट हेड एन सी सी धर्मेंद्र चाहर जी, एनएसएस के प्रतिनिधि, जितने भी राजस्थान भर में जिला कलेक्टर, कमिश्नर्स, अधिकारीगण, जिला प्रमुख, मेयर, सभापति, प्रिंसिपल, मेडिकल कॉलेज, सीएमएचओ, पीएमओ, सिविल सोसाइटी, एनजीओ, प्रधान, स्थानीय निकाय के चेयरपर्सन, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य, सरपंचगण, वार्ड पंचगण, पार्षदगण, मैं समझता हूँ कि जितने भी साथी बैठे हैं, जुड़े हुए हैं और ओपन वीसी पब्लिक के लिए भी है, मैं तो सबको संबोधित करते हुए अपनी बात शुरू करता हूँ। और ये प्रोग्राम आज एक प्रकार से लीक से हटके मानता हूँ मैं, क्योंकि एक वैक्सीनेशन के लिए प्रोग्राम हो रहा है कि वैक्सीनेशन का क्या महत्व है, जो मेरे पूर्व डॉक्टरों ने बताया, डॉक्टर्स गणों ने बताया, और किस प्रकार हम एक मिसाल काम कर सकते हैं देश के अंदर, जो मिसाल काम कर भी चुके हम लोग, क्योंकि कोरोना के मैनेजमेंट में भी जैसे हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी कहा, भीलवाड़ा मॉडल की बात करी, पूरा देश नहीं देश के बाहर भी पहुंचा वो, और जिस प्रकार से वैक्सीनेशन का क्या महत्व है, ये तमाम बातें हम सुनते आ रहे हैं लगातार, और मीडिया के अंदर भी, डिस्कशन के अंदर भी पढ़ते आते हैं और टीवी में देखते आते हैं। और वास्तव में ऐसे ही है कि आज भी पूरे विश्व के अंदर किसी को नहीं मालूम है कि इसका कोरोना COVID-19 और जो उसके वेरिएंट बदलते जा रहे हैं, कभी डेल्टा आ गया, कभी लंदन में यूके में अल्फा आ गया, और उसके म्यूटेशन बदलते जा रहे हैं, तो पूरे विश्व के अंदर डॉक्टर्स अनुभव ले लेके इलाज कर रहे हैं और अच्छे से अच्छा इलाज करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में एक राय पूरे दुनिया के डॉक्टरों की है, एक्सपर्ट्स की है, कि ये जो महामारी खतरनाक आई है, और दूसरी वेव तो बहुत खतरनाक थी जो डेल्टा की है, जिसने तो मृत्यु दर बढ़ा दी, घातक बहुत भयंकर था, जल्दी फैला लंग्स तक, और उसी रूप में ये कई घरों तक पहुंच गया, कई घरों में तो तीन तीन चार चार लोग भी भर्ती हो गए, अचानक आ गया, और जो मृत्यु दर साल भर में नहीं हुई पहली वेव में, वो डेढ़ महीने में उससे अधिक हो गई पूरे देश के अंदर। पहली वेव में तो पूरे दुनिया देख रही थी, हिंदुस्तान और उसके अड़ोस पड़ोस के जो मुल्क हैं, पता नहीं उनकी इम्यूनिटी कितनी मजबूत है कि वहाँ तो कोई असर ही नहीं है पहली वेव में, इतने कम मरीज आए, इतने कम आप देखिएगा बेड की जरूरत पड़ी, आईसीयू बेड की जरूरत नहीं पड़ रही थी, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ रही थी, वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ रही थी, वो पड़े रहे जो हमने तैयारी करी थी। और दूसरी वे जो 15 अप्रैल के आसपास आई थी, उसने हिला के रख दिया, पूरे देश में हाहाकार मर गया, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर दवाएँ नहीं हैं, और कोई अस्पताल कहता 2 घंटे की ऑक्सीजन बची हुई है, कोई 3 घंटे की बची हुई है, और 4-5 हादसे हो गए हैं, एक सरकारी अस्पताल कर्नाटका के अंदर 25-30 लोग मर गए, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई, गोवा में 70-80 लोग मर गए, यूपी में मर गए, दिल्ली के अंदर जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल था, दिल्ली में नाम तो जयपुर था पर था वो दिल्ली में, मैं ही पहले घबरा गया जयपुर के नाम से, तो वहाँ पर भी 26 लोग मर गए कि ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गई। वो मालिक बार बार हो रहा टीवी के अंदर कि मैं क्या करूं? मैंने सबको इतला करी, एक बार नहीं 25 बार करी, पर ऑक्सीजन नहीं आई, मर गए बेचे। तो ये माहौल बना पूरे देश के अंदर, पिछली बार बना था मजदूरों का पैदल चलने का लॉकडाउन में, इस बार बन गया ये ऑक्सीजन का बन गया।
और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, पूरी दुनिया जानती है कि आज भी ये जो देश के हमारे देश के अंदर डेल्टा जो आया है ये करीब 70 देशों में पहुँच चुका है, अमेरिका सहित, इंग्लैंड सहित, कम ज़्यादा लोग चिंतित है क्योंकि बड़ा घातक है। अब नया वेरिएंट और आ गया इसके अलावा, जितनी ज़्यादा इसमें रोकने में देरी होगी उतनी ज़्यादा ये अपना रूप बदलता है, ये बहुरूपीय की तरह है और रूप बदल करके नए रूप में आता है और किसी को पता नहीं कि आने वाला वेरिएंट कमज़ोर पड़ेगा या और ज़्यादा तीव्र होगा, घातक होगा, ये किसी को पता नहीं। तीसरी वेव आएगी नहीं आएगी पता नहीं, अंदाजे कहते हैं आ सकती है, कई मुल्कों में आ गई है, संभावना ज़्यादा है कि आ सकती है क्योंकि सेकेंड वेव आई तो मालूम नहीं पड़ पाया और सेकेंड वेव भी अचानक आई थी, हम देखा होगा। तो जब बच्चों की इस बार के बच्चों हिट करेगी, अब बच्चों हिट करेगी नहीं करेगी पता नहीं, पर जो वैज्ञानिक भी बोलते हैं, एक्सपर्ट बोलते हैं, सुनना पड़ता है उनकी बात। कुछ लोग कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं, सबको हिट समान रूप से करेगी अभी भी। और अब नई थ्योरी आई है कि अभी जो सेकेंड वेव आई है इसमें भी जो परसेंटेज आई है आंकड़ों की, उसमें परसेंटेज पहले पहले था कि नहीं, बुजुर्गों में थोड़ा बहुत फर्क पड़ा क्योंकि वैक्सीन लग गई थी, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। युवा लोगों में बहुत मृत्यु हुई, उस थोड़ा बहुत फर्क पड़ा, ज़्यादा उसमें हुआ पर बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। बच्चों में भी पहले जो आई थी मृत्यु दर थी, थोड़ा बहुत फर्क पड़ा, पर इतना बड़ा गैप नहीं था। जो पहले एक हवा बन गई थी कि पता नहीं इस बार तो युवाओं की डेथ हो रही, अच्छी बात नहीं रही, और इस बार बच्चों के लिए आएगी थर्ड वेव आएगी, कोई पता नहीं क्या होगा। समान रूप से सबको, बुजुर्गों को, युवाओं को, बच्चों का ख्याल रखना है क्योंकि कोई माँ बाप, दादा दादी नहीं चाहेंगे कि मेरे रहते हुए मेरा पोता या मेरी पोती या मेरे परिवार का कोई व्यक्ति जाए। बच्चों को लेकर ज़्यादा लोग चिंतित हो गए हैं। तो मैं जो आपको निवेदन करना चाह रहा था, ये सब बातें आप मेरे पूर्व वक्ता ने बहुत अच्छे ढंग से सुनी हैं और अच्छे ढंग से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। एक तो फॉर्चुनेटली एक बात मैं कहना चाहूँगा, एक सर्वे जो आया है अभी उसमें झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, 6 राज्यों में सर्वे हुआ। फॉर्चुनेटली इस सर्वे में आया कि सबसे, क्योंकि सब जगह लोग गाँव मना कर रहे हैं नियम वैक्सीन नहीं लगाने और ये बड़ा इश्यू बना हुआ देश के अंदर। अभी शिव जोशी साहब भी कह रहे थे कि लोग रिलेक्टेंट रहते हैं गाँव में, आदिवासियों में भी। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये जो सर्वे आया इसके अंदर ही आया कि फॉर्चुनेटली सबसे कम लोग हैं राजस्थान के अंदर जो मना करते हैं, रिलेक्टेंट हैं कि हम नहीं लगाएंगे, 10% सिर्फ, जबकि बाकी राज्यों के 20% है, 25% है यूपी के अंदर भी और अन्य राज्यों के अंदर भी। तो ये सबसे अच्छी बात है कि राजस्थान में कम से कम लोग रिलेक्टेंट है, इच्छुक नहीं है, उनको समझा नहीं जा सकता है। और क्योंकि माहौल अपने अच्छा बनाया शुरू से ही, तो मैं समझता हूँ कि उसी रूप में अगर हम लोग सब, अभी जो हमारे अध्यक्ष जी ने जो आह्वान किया सबको, और ए सी पी जोशी जी का आइडिया था कि हमें इसको वैक्सीनेशन को लेके भी एक अभियान चलाना चाहिए 3-4 दिन का, जिसमें हम लोग सरपंच तक बात कर लें, वार्ड सरपंच से बात कर लें, MLA से बात करें। और आज ये अभियान मेरे ख्याल से आज जो प्रारंभ हुआ है इसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट जाएगा, क्योंकि एक बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको, दुनिया के मुल्कों में एक बात कॉमन हो गई कि या तो आप वैक्सीन लगा लो और बच जाओ, वैक्सीन के अलावा कोई चारा नहीं है। इज़राइल में वैक्सीन लग गई, अब मास्क हट गया वहाँ पर। कई मुल्क ऐसे हैं जो लॉकडाउन ख़त्म करते हैं तो कहीं ना कहीं वापस वेरिएंट आ जाता है। ये हमारे वाला पहुँच गया, हमारा डेल्टा वाला वहाँ पहुँच गया लंदन में, तो और रुक गया उनका काम। परंतु बाई एंड लार्ज जो है ये वैक्सीन ही इलाज है परमानेंट, तो नंबर एक। और नंबर दो जो है, जब तक वैक्सीन लगे तब तक मास्क इलाज है, मास्क बहुत बड़ा इलाज है, वैक्सीन का मुकाबला है मास्क में भी। डबल मास्क लगा तो और भी अच्छी बात है,
ये डॉक्टर्स भी कहते हैं, सब लोग कहते हैं, मास्क और वो जो पूरा प्रोटोकॉल है, थोड़ा दूर खड़े होना आपस के अंदर, भीड़ भाड़ से बचना, बिना मतलब घर से मत निकलो। बात छोटी छोटी है, मैं प्रदेशवासियों को कहना चाहूँगा कि आप कम से कम जो आज इस विषय को सुन रहे हैं, कृपा करके आप भी भूमिका अदा करें कि किस प्रकार हम लोगों तक बात पहुँचाएँ कि वैक्सीन क्यों जरूरत है। इस रूप में ये जरूरी है और वैक्सीन लगाना जरूरी है। वैक्सीन मैं समझता हूँ कि उसके वगैरह काम चलेगा भी नहीं, और माहौल बन चुका है हमारे मुल्क में, प्रदेश में बन चुका है। अब तो स्थिति है कि वैक्सीन अगर टाइम पे नहीं मिलेगी, जो भी आशंका पकड़ कर रहे अध्यक्ष जी, तो क्या होगा? क्योंकि पहले हमारा अनुभव बताता है, पिछली बार भी आपको जान के गर्व होगा कि जो प्रदेशवासियों ने सहयोग किया सरकार का, हमने शुरुआत ऐसी करी थी जब मार्च में आ गया था पिछले साल, कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को बुलाया, तमाम धर्मगुरुओं को, एनजीओ को, रिटायर्ड डॉक्टरों को और सभी संबंधित लोगों से बातचीत करी और प्रदेशवासियों का आह्वान किया। तो चाहे जो कहा, भूखा नहीं सोएगा, सूखा व पका हुआ खाना बांटने की बात, तो वो माहौल अलग था उस वक्त में। और रास्ता में कोई मजदूर पैदल भी नहीं चला, हमने इतना शानदार इंतजाम किया बसों के माध्यम से, और कोई राजनीति नहीं। मैं आज फिर कहना चाहूँगा, जहाँ जिंदगी में एक व्यक्ति को बचाने का सवाल है प्रदेशवासी को, चाहे वो कोई जाति का हो, धर्म का हो, वर्ग का हो, किसी विचारधारा का हो, वो हमारे लिए बराबर है, आप सबके लिए बराबर होना चाहिए। गांव में भी गुटबाजी होती है, विचारधारा अलग अलग होती है लोगों की, अलग अलग धर्म जाति लोग रहते हैं। अभी धर्म ये कहता है, इंसानियत ये कहती है, धर्म इंसानियत है अभी तो, और इंसानियत ये कहती है कि जो आपके सामने हैं, क्या वो कोई विचारधारा का है, कोई धर्म जाति का, उसकी जीवन रक्षा हम कैसे करें, उसको हम गाइड कैसे करें, उसकी मदद कैसे करें। ये वक्त है मानवता के लिए, पूरी दुनिया में, देश में, प्रदेश के अंदर, उसको फॉलो करके ही हम इतिहास बना सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि उस माहौल में हम लोग सब रम गए हैं और लोगों ने साथ भी दिया है। मुझे उम्मीद है कि थोड़ी बहुत राजनीति चलती रहती है, क्योंकि कई लोगों की सहन शक्ति कम होती है, कई ज़्यादा होती है, और लोकतंत्र का नाम दूसरा सहन शक्ति है। गांधी जी ने भी कहा था टॉलरेंस पावर, क्योंकि आप ये आलोचना भी करें, कमियां बताएं विपक्ष, आप उसको वेलकम करो मन के अंदर, उसको सुधार कर लो, पब्लिक में इंटरेस्ट में हो तो। कोई बिना तथ्य के आरोप लगाए तो वो गलत बात है, जो कभी रघु शर्मा जी ने विस्तार से बता दिया आपको, वो होना नहीं चाहिए था। अध्यक्ष जी ने बताया, हमारे दोतासर ने बताया, ये नौबत नहीं आनी चाहिए थी। अभी तो हम लोग कैसे उसको सबकी सेवा कर सकें। इस रूप में मैं समझता हूँ कि जो काम हमने शुरू किया है, उसको हम चाहेंगे कि किस प्रकार से वैक्सीनेशन पे पहुँच सके। हम लोग चिंता ये है कि 21 तारीख से वैक्सीन शुरू होगी, और वो वैक्सीन जो है 21 तारीख के बाद में सप्लाई उसकी कंटिन्यू रहनी चाहिए, बहुत आवश्यक है, क्योंकि सप्लाई रहेगी तो ही जाके काम चलेगा, और सप्लाई नहीं रहेगी और बार बार केंद्र बंद करना पड़ता है, जैसे पिछली बार बंद करना पड़ा, वो सबसे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात होती है। और उससे हम बचना चाहते हैं और चाहते हैं कि सप्लाई पूरी कंटिन्यू रहे, और उसके लिए हम पूरी तरह केंद्र सरकार के संपर्क में हैं, क्योंकि पहले भी जब सप्लाई टुकड़ों में आई तो बार बार केंद्र बंद होता तो टेम्पो खत्म होता। अब तो लोगों की खुद की जब जानकारी प्राप्त हो गई कि भाई ये कोविड से ये बचा सकता है, और ये मैं आपको कह सकता हूँ कि जो भी ये आ रहे संक्रमित होकर के, जिनके लगा हुआ वैक्सीन, वो कम से कम जान का खतरा उनका ख़त्म हो जाता 99%। मैं खुद उसमें एक हूँ, मेरे दो वैक्सीन लगी हुई थी और वो कोरोना हो गया, तो कम से कम माइल्ड हुआ, और पूरे देश में मैं बराबर संपर्क में हूँ लोगों के, दिल्ली में भी, राजस्थान में भी डॉक्टर बताते रहते हैं। कोरोना तो फिर भी हो सकता है,
जिनके वैक्सीन लगी हुई है, परंतु वो माइल्ड होता है, जान को खतरा नहीं होता। जब ये बात सबको मालूम है तो हम क्यों नहीं उसमें उस रूप में भागीदार बने, ये एक बहुत बड़ी बात है जो हमें दिमाग में रख के काम करना है। और मुझे उम्मीद है कि ये जो व्यवस्था हमने करी है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, राजस्थान की व्यवस्था एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। हमने आज आप बताइए कि जिस रूप में 5,91,000 वैक्सीन ले गए हम पर डे उस वक्त में, और शायद आपको ये बताया भी गया है पूरे देश में हम लोग वैक्सीन के अंदर भी टॉप पे थे, महाराष्ट्र और राजस्थान टॉप पे थे, 19-20 का फर्क था, क्योंकि महाराष्ट्र में तो बहुत लोगों की मौत हुई है, घर घर में कोरोना फैल गया बॉम्बे के अंदर, पर हम लोग वैक्सीन लगाने के अंदर भी बराबर थे, उनके बराबर थे। मतलब पूरी भारत सरकार ने तारीफ करी, राजस्थान का नाम कहीं नहीं सुनते होंगे टीवी के अंदर, जो 4-5-6 राज्यों के नाम आता है जहाँ वैक्सीन बहुत कम लगी है, तो शानदार तरीके से काम हमारे बाहर। आज हमारी कैपेसिटी होगी 15-20 लाख, आप कल्पना कीजिए किसे कहते हैं। तो ये इतनी तैयारी जब हमारी है तो तैयारी किस काम की, अगर मान लो हम लोग उसको वैक्सीन की कमी से पूरी नहीं कर पाएंगे। तो ये काम तो हम लोग, हमारे ऊपर है, हम लोग बराबर केंद्र के संपर्क में है। बीच में जो राज्यों पर डाल दिया गया था वो बहुत ही गलत निर्णय था, और ये ठीक कहा गया कि कभी वैक्सीन सब लगती है, भारत सरकार लगाती है, पूरी दुनिया के अंदर जो मुल्क हैं वो वैक्सीन लगाते हैं खुद, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो राज्यों में छोड़ दें, पूरी दुनिया के अंदर वैक्सीन सरकार लगाती, निःशुल्क लगाती है। यहाँ एक ऐसा माहौल बन गया उसके कारण तकलीफ भी हुई, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो माहौल समाप्त हो गया। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जब राष्ट्र को संबोधित किया तब उन्होंने घोषणा करी कि हम इसको निःशुल्क करेंगे, पर उसके लिए संघर्ष करना पड़ा, इसमें कोई दोराय नहीं, मुझे कहते संकोच नहीं है कि राजस्थान सरकार को तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, भारत सरकार के खिलाफ में ये नौबत आ गई, राजस्थान ही नहीं बल्कि बंगाल भी और 3-4 राज्य गए सुप्रीम कोर्ट तक, गए पीएल फाइल हुई वहाँ पर, और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहना था भारत सरकार को कहा। मैं समझता हूँ सबके दबाव में भारत सरकार को फैसला बदलना पड़ा, जिससे कम से कम वैक्सीन फ्री लग पाई लोगों को, वरना 3,000 करोड़ रुपये तो हमने मंजूर किए, इसलिए कि हमें हमारी जनता की जान बचानी थी। तो मैंने कहा बजट कितने खर्च हो जाए परवाह नहीं करेंगे, पर हम अपने प्रदेशवासियों के कोरोना मुकाबले में कोई कमी नहीं आने देंगे, ये मैंने बार बार आप लोगों को कहा था, उस वक्त में भी कहा था। अब मैं समझता हूँ कि इन तमाम बातों को देखते हुए हमने पैकेज भी अच्छा दे दिया है, पैकेज बहुत शानदार दिया है, और भारत सरकार का जो पैकेज है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि पैकेज में भारत सरकार डिफेक्टिव पैकेज है, जिसके घर में कोई अगर मान लो बच्चा अनाथ हो गया, माँ बाप दोनों मर गए हैं उसके, उसका भी वो 18 साल के बाद में हम लोग उनको देंगे, खाली पढ़ाई का इंतजाम अभी करेंगे, 18 साल के बाद में उनको फिर 30 साल तक देंगे हम लोग उनको, एडवोक मदद करेंगे, 23 साल होने पर 10 लाख रुपये देंगे, वो कन्फ्यूजन है 10 लाख पूरा देंगे या 18 से 23 तक खर्च हो जाएगा पैसा, वो काटेंगे किसी को नहीं मालूम है। तो मैं अलग से डील करूँगा प्रधानमंत्री जी के साथ में कि ये आपका पैकेज डिफेक्ट जो है, जिसे विधवाओं के लिए कुछ नहीं दिया है, और आपने बच्चों को 18 साल के बाद देने की बात, 18 साल के बाद में किसने क्या देखा, कौन कहाँ रहेगा, आपको पैकेज का मतलब होता है आज तत्काल उसके घर में क्या सहायता पहुँचाई है। जैसे हमने आप सबके आशीर्वाद से दिया पैकेज, इमीडिएटली तमाम जो ऑर्फन हो गए बच्चे, विधवा हो गए, 1 लाख रुपये तो इमीडिएटली दे रहे हैं हम लोग, 2,500 रुपये दे रहे हैं हम लोग बच्चों के लिए प्रतिमा, विधवा को दे रहे हैं 1,500 रुपये पेंशन के रूप में, और 18 साल के होने पे उसको 5 लाख रुपये देंगे, शिक्षा के और सब अलग है वो पैकेज के अंदर लिखा हुआ है। तो पैकेज मतलब आज उसके घर में 1 लाख रुपये पहुँचेगा इमीडिएटली, तो उसको थोड़ा संतोष मिलता है, ऐसे जो परिवार गरीब को हम कल्पना नहीं कर सकते।
तो ये जो जिस रूप में पैकेज आया मैं समझता हूँ उन्हें बहुत सुधार की आवश्यकता है और मैं समझता हूँ भारत सरकार को सोचना पड़ेगा और आगे आना पड़ेगा। इस रूप में ये बातें सब हो रही है, इसलिए मैं आपसे आह्वान करूँगा कि जो शिपी जोशी जी ने कहा कि ये जो प्रिवेंटिव सोशल और मेडिसिन ये डिपार्टमेंट हमारे यहाँ बना हुआ है हर अस्पताल के अंदर और ज़्यादा काम नहीं कर पा रहा था, आप कहने की खुशी होगी अपन ने इसको एक्टिव करने का प्रयास किया है। इसमें जो डॉक्टर लगे हुए हैं वो पूरे इस कोरोना काल में अपने जितना उनकी स्थिति थी उतना काम करने की कोशिश की, पर ये आइडिया बहुत शानदार है कि और मजबूत करें इसको। और शायद आपको तो मालूम ही है कि हमने जो मयूरी राजस्थान का जो कंसेप्ट दिया था दिसंबर 19 के अंदर, उसमें उसके पीछे यही था PHM कि हम राजस्थान में ऐसी स्थिति पैदा करें कि आदमी बीमार पड़े ही क्यों, प्रिवेंशन ऑफ मेडिसिन हो जाए पहले ही। तो वो बिल्कुल आपने कहा हम इसको कोरोना के साथ साथ में इसको मजबूत करेंगे, हम चाहेंगे कि राजस्थान में मजबूती से हम आगे बढ़ें। बाकी जो सब लोग बोल चुके हैं कि जिस रूप में हमने ऑक्सीजन के प्लांट लगाना शुरू किए हैं धारीवाल जी, तो अपने डिपार्टमेंट के माध्यम से 50-60-70 प्लांट लगा रहे हैं, पर स्टेट गवर्नमेंट लगा रही है, कुछ DRDO ने लगाए हैं भारत सरकार के, मैं समझता हूँ जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है उनको दानदाताओं ने काफ़ी मदद करी है, दानदाता की जगह ऑक्सीजन प्लांट लगाना छोटे बड़े, पर राजस्थान भर की मॉनिटरिंग हो रही है पूरी। और मैं समझता हूँ कि 500-600 मेट्रिक टन तक अगर उत्पादन होने लग जाए एक्स्ट्रा राजस्थान में, बल्कि इससे अधिक होगा मेरे ख्याल से, तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी जिससे कि हम लोग आराम से इसका मुकाबला करने में कोई कमी नहीं आएगी। और राजस्थान वो राज्य भी है जहाँ पर हमने जब भारत सरकार ने कहा कि जो मेडिकल में काम करने वाले काम करेंगे योद्धा उनको 50 लाख रुपये देंगे अगर उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो हमने उससे बड़ा फैसला किया कि राजस्थान कोई भी कर्मचारी हो, सरकारी कर्मचारी होगा कोई भी, चाहे वो प्राइवेट क्या कहते हैं टेम्परेरी लगा हुआ टेम्परेरी सर्विस में है, संविदा में है, कॉन्ट्रैक्ट पे संविदा में है, पक्का नहीं है वो, अगर तब भी संविदा तक को हमने उसमें आशा सहयोगी हो तो सब आते ही आते हैं, जो आशा सहयोगी हो चाहे वो आंगनबाड़ी वर्कर्स हो, पर संविदा कर्मी तक को जोड़ लिया है कि अगर वो कोरोना ड्यूटी पे अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उसको 50 लाख रुपये मिलेंगे। ये फैसला करने वाला हिंदुस्तान में एकमात्र राजस्थान राज्य जिसने इतना बड़ा फैसला किया है, उसका असर ये होगा कि सब लोगों ने कमी नहीं रखी, सब लोगों ने देखा सरकार हमारे पीछे खड़ी है तो जम के उन्होंने सहायता करी। इतना जो माहौल जो बना राजस्थान में कोई मेरे कारण नहीं बना है, ये सब आप लोगों के कारण बना, जनप्रतिनिधियों के कारण बना, धर्मगुरु थे, एक्टिविस्ट थे, NGO थे, आम पब्लिक थी, सरकारी कर्मचारी थे, अधिकारी थे, इतना अच्छा काम किया अधिकारियों ने, कर्मचारियों को सोच नहीं सकता, बल्कि पुलिस विभाग ने भी कॉन्स्टेबल तक ने खाना पर पहुंचाने का जब डर भय था उस वक्त में, पहले वे में भय था पता नहीं है क्या भला है, क्या हम लोग खुद मरेंगे जियेंगे पता नहीं, किसी के संपर्क में आ गए तो भय ज़्यादा था, पर मृत्यु कम हुई क्योंकि वो खतरनाक कम था। दूसरे वे में भय ज़्यादा हो गया, भय कम हो गया क्योंकि तो नहीं सब लोग बच गए, कोई विशेष बात नहीं है, भय कम हो गया पर मृत्यु ज़्यादा हो गई क्योंकि घातक कोरोना आ गया। पर पहले जो भय था उस जमाने में जो जो घर घर खाना पहुँचाने की बात थी या जो भी काम किया, मैं समझता हूँ कि वो बहुत बड़ी बात थी। हमने हर चीज़ को बहुत ही जो ये कोरोना का जो पैकेज दिया हमने विक्टिम परिवारों को बहुत सोच समझ के तैयारी करने के साथ दिया है। और इतना मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि हमारी प्रायोरिटी है जिंदगी बचाना। आपने देखा होगा ब्लैक फंगस अचानक आ गया और ब्लैक फंगस से आँख को निकालना पड़ता है, दिमाग का ऑपरेशन करना पड़ता है, जबड़ा निकालना पड़ता है, फिर आप पैर से वापस हड्डी को ऑपरेट कर निकालो, हड्डी से उसका जबड़ा बनाओ, पता नहीं क्या क्या होता होगा। जैसी बीमारी आई हमने चार्टर प्लेन, दवाया नहीं थी, चार्टर प्लेन किराया किया, 15-20 लाख लगो, 25 लाख लो, कुछ भी करो, बॉम्बे से चार्टर प्लेन से दवाई मंगानी पड़ी, वो भी हमने किया कि एक एक दिन भारी पड़ रहा था, एक इंजेक्शन एक
मरीज को लगता है 60-70 इंजेक्शन लगते हैं उसके पर डे, लगते हैं 6-6 इंजेक्शन। डॉक्टर कहने लगे हम तो मजबूरी में 1-2 इंजेक्शन लगा पाते हैं, इंजेक्शन ही में क्या कर सकते हैं, और वो भी भारत सरकार के कंट्रोल था इंजेक्शन पे, चाहे रेमडेसिविर हो चाहे वो ब्लैक फंगर का इंजेक्शन हो चाहे ऑक्सीजन हो। तो हमने उस वक्त में जो पर्सनल लेवल पर जो सब साथियों मिल के जो जो कर सकते जो सुझाव दिए सबने हमने माना सुझावों को, कोई कमी नहीं आनी थी। ये जो आपकी चिरंजीव योजना आई आपकी, अभी चिरंजीव योजना में हमने कोविड को भी शामिल किया है और ब्लैक फंगस को शामिल कर दिया है। 5 लाख तक का बीमा प्राइवेट अस्पताल के अंदर भी जो चिन्हित है उनको, और सरकारी अस्पताल रही है पहले से ही, उन सबको फ्री करें। कृपा करके आप गांव में सब बैठे पंच सरपंच कहना चाहूँगा कि कोई भी फॉर्मेलिटी जो केंद्र बने हुए अपने जो केंद्र बने अपने ये मित्र ई मित्र, ई मित्र में जाकर के आप फॉर्मेलिटी में रजिस्ट्री करवा दीजिए, वहाँ पर सबने करवा दिए होंगे अधिकांश लोगों ने, तो जिससे नहीं करवा करवा दीजिए। जो पैसे वाले मुझे 500-850 रुपये दे रहे हैं खाली, 1700 रुपये उसकी वो है इसकी किस्त है इसकी अपने बीमा कंपनी की, आधा पैसा सरकार दे रही उसका भी, आधा पैसा उनसे ले रहे हैं जो पैसे वाले हैं, बाकी सबके फ्री है लाखों लोगों के। तो ये जो हमने चेंज योजना निकाली है उस पर कृपया ध्यान दें, और उसको भी आप वैक्सीनेशन की तरह लोगों को जैसे वैक्सीनेशन मोटिवेट करेंगे आप लोग, कोई छूटे नहीं, उसी ढंग से आपको चेंज योजना के बारे में भी लोगों को बताना पड़ेगा। हमने गांव में मॉडल CHE बनाई है और CHE PHE को मजबूत कर रहे हैं राजस्थान के अंदर। तीसरी वेव को देखते हुए भी बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट लग चुका है, वो आपको मंत्री बता चुके हैं। पर जो मॉडल CHE बनेगी, MLA साहब को कहा गया सभी को, चाहे किसी पार्टी का हो, आप छाँट लीजिए किस CHE को बनाना चाहते हैं, वहाँ पे जो आपके सभी तरह के इलाज वहाँ पर होंगे, सभी तरह के व्यवस्था वहाँ कर रहे हैं, उसको मजबूत कर रहे हैं। और हमने एम्बुलेंस फ्री कर दी थी कि कलेक्टर कह दिया कि आप किराया कर लो एम्बुलेंस को, खुद भी कर लो, पर जो ये लोग तंग करते हैं मरीज को या वसूल करते हैं ज़्यादा पैसा, वो नौबत नहीं आनी चाहिए। कोई आदमी की मृत्यु हुई है तो उसका दाह संस्कार भी सम्मान के साथ हो, दाह संस्कार जिम्मेवारी भी नगर पालिका नगर परिषद को सौंपी गई, पूरा पैसा सरकार देगी नगर पालिका नगर परिषद को, और दाह संस्कार तक का प्रोटोकॉल में जो करना पड़ता है वो सब करे सरकार करे। मोक्ष कलश यात्रा अलग निकाली हमने बिहार हरिद्वार तक लोगों को, तो हर चीज़ का हमने ये कोशिश करी है कि प्रदेशवासियों को इस दुख की घड़ी में, जो एक संकट की घड़ी भी है, भय का माहौल भी है, और मैं कहना चाहूँगा कि चिंता करने की जरूरत नहीं आपको, पर प्रोटोकॉल निभाने से बचाव उपाय है, उपाय जो इसका है बीमारी का, ये इसका बचाव ही है। बचाव कि आप बीमार पड़ने के बाद में ठीक हुए, तो ठीक होने के बाद में लंबे समय से तकलीफ होती है, कई को 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना हो रही है, कई हमारे बड़े बड़े नेता मैदान में भर्ती हो रहे हैं, 2-2 वैक्सीन लग चुकी थी, तो तकलीफ बहुत ज़्यादा है इसमें, पोस्ट कोविड बहुत तकलीफ होती है, और बच के रहना पड़ता है उसको भी, पोस्ट कोविड वाले को भी बच के रहना पड़ता है। इसलिए ये बात अलग है कुछ हम चाहेंगे कि एक पैकेज बनाएं कि वैक्सीन, क्योंकि पता नहीं वैक्सीन कितनी मिलेगी हम लोगों को, अगर वैक्सीन पूरे ढंग से मिल गई तो मैं चाहूँगा कि पंचायतों में हम लोग ये आह्वान करेंगे जो पंचायतें ऐसी होंगी जो पूरे नॉर्म्स को तय करते हुए मैक्सिमम लगाएगी, उसके मैं इसकी मना के डिक्लेयर करूँगा कि एक समय सीमा के अंदर एक्सट्रीम वैक्सीन लगा, फिर हम उन पंचायतों में विकास के लिए अलग से फंड देंगे, इनाम देंगे उनको, जिससे कि वहाँ के तमाम पंचों को सरपंचों को और वहाँ के गांव वालों को लगे कि हम इसमें भाग लेंगे तो हमारे विकास के एक्स्ट्रा पैसा हमें सरकार देगी। ये स्कीम बनाने के लिए मैंने अधिकारियों को कह दिया है कि वो स्कीम ऐसी बनाए जिससे कि वैक्सीनेशन का काम, मैं कहता हूँ हिंदुस्तान में सबसे अच्छा जो पहले हो चुका है अनुभव हमें,
अब हम करके दिखाएंगे। अनफॉर्चुनेटली जो बदनामी करने की कोशिश करी है उसका मुझे दुख है, क्योंकि जो अच्छा काम कर रहा है स्टेट तो उसको बदनाम कैसे करें। ये जो सोच रही है कुछ लोगों की वो बहुत अनफॉर्चुनेट थी, क्योंकि कोई उनको मालूम है कि सबसे अच्छा काम राजस्थान कर रहा, फिर आपने कह दिया कि 11.5 लाख वैक्सीन वहाँ खराब हो गई। अखबार हमारे वो भास्कर वाले और लिख रहे हैं कि रोज के रोज किताब कूड़ेदान में फेंक दिया, वैक्सीन डस्टबिन में डाल दिया। वो खुद ही जो फोटो बता रहा पीला बैग का, तो मंत्री जी ने भी आपको कहा कि भारत सरकार का जो नॉर्म था पीला बैग, उसके अंदर डालेंगे वैक्सीन के जो आधे अधूरे लगे हुए हैं या वेस्ट है। वो भारत सरकार ने कहा 10% तक वेस्ट हो सकती है, क्योंकि उन्होंने जो फॉर्मूला दिया था उसमें वेस्ट होने चांस ज़्यादा थे। उसमें जब तक 4 घंटे में खराब हो जाती है वैक्सीन खोलने के बाद में, 4 घंटे में, और अगर आपको लगाने वाले को आप हरे को लगा नहीं पा रहे थे उस वक्त में ये था कोविन जो बनाया ऐप उन्होंने, उसमें जिसका नाम लिखा हुआ आएगा रजिस्टर्ड उसी को लगा सकते हो आप, बाकी लगा नहीं सकते किसी को भी। तो ये हमारे नर्सेज वाले क्या करते हैं, नर्सिंग वाले कंपाउंडर डॉक्टर क्या करते हैं, नर्स क्या करती, वो तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर इसमें ऐप में आता है कंप्यूटर में तो लगाओ आप। इसलिए तो भारत सरकार ने खुद ने सोच में 10% वेस्ट का अनुमान लगाया। भारत सरकार के लिखित में है कि 10% तक वेस्ट होने दो, हो जाएगी, हो सकती है, और फिर आप बदनाम कर रहे हो किसी राज्य में, कह रहे हो 20% छत्तीसगढ़ में हो गई, 30% खराब हो गई, सबको खंडन करना पड़ा और रास्ते के लिए 11.5 लाख खर्च हो गई। और अब ये भास्कर अखबार, ये अखबार वालों ने कई बार तो अपना कैंपेन चलाने के लिए फिर आगे आगे इनको स्टोरी बनानी पड़ती है। इनको लगता है कि जो हम लोग गाइड करते हैं या जो हम लोग खबर देते हैं उसको पब्लिक पढ़ती है। मैं उनको भी कहना चाहूँगा, बक्सो जनता को, जनता का भला समझो, जनता अभी तकलीफ में है, उसमें आप इस प्रकार के डरावनी बातें करते हो। वैक्सीन डस्टबिन में जा रही है, कोई भेजेगा डस्टबिन, कोई फेंकेगा उसको? आपने पूरे नर्सिंग सबको बदनाम कर दिया आपने, जिन्होंने काम किया वैक्सीन लगाने का उन सबके ऊपर आरोप लगाया आपने कि इतने लापरवाही लोग हैं, कोई लापरवाह कर सकता क्या? अब जाके छूट मिल रही है कि नहीं, आप खुद तय करो किसको लगा सकते हो। अब हम 0.8 पे आ गए, और पहले उस वक्त में भी हम 2.3 पे थे, जबकि नेशनल एवरेज खराब होने का 6% था उस वक्त में भी, और 10% की छूट भर सका की थी। अब हम 0.8 पे क्यों आ गए? और जब 10% छूट दी तब भी मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंस में हमने कहा था डॉक्टरों को सबको, हमें 0 वेस्टेज करना है, तब भी हमारी कल्पना ही थी। रघु शर्मा जी बैठे इनको मालूम है, तो मैंने तब भी कहा था कि 0% पे ले आना है अपने को, वेस्ट करनी नहीं है, पहले से लोग बुला के रखो, बैठा दो पहले एक्स्ट्रा लोगों को, बच जाए तो उनको हाथ जोड़ के भेज दो घर पे भी, कल आना कोई बात नहीं, वेस्ट नहीं होनी चाहिए, इतना हम खुद ख्याल रखते हैं। तो जिस प्रकार से ये राजनीति कभी कभी चलती है, पर फिर भी हम चाहेंगे कि हम सबको साथ लेके चलें, और किसी रूप में ये जो संकट कितना बड़ा है, कितना लंबा रहेगा, दूसरी तीसरी चौथी भी आएगी, पांचवी आएगी, नहीं आएगी, किसी को नहीं मालूम कोई बात, दुनिया में नहीं मालूम किसी को, जो विकसित राष्ट्र है उनको नहीं मालूम है, वहाँ लाखों लोग मर गए, मर रहे हैं, वहाँ तो लोगों ने बूढ़े लोगों पे अपने तो पैड़ी दी उनको, बुजुर्गों को, उस पर खबर सुनते थे हम कई कंट्री की कि वो उन्होंने कह दिया बुजुर्गों को मत लगाओ इनको, तो ये तो कोई बात नहीं, यंग की चिंता करो, यौवन की चिंता करो, ऐसी नौबत आ गई थी उस वक्त में। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने सबने जो है हिस्सेदार निभाई, सरकार का साथ रहे। और मैं कहना चाहूँगा कि कोई घबराने युद्ध नहीं है, चाहे तीसरी वे कैसी भी आई खतरनाक, हमने पूरी तैयारी कर ली है, उसी ढंग से हम लोग भर्ती कर रहे हैं, 25,000 नर्सेज को, 10,000 डॉक्टरों को भर्ती कर रहे हैं, 8,000 हमने CMHO को भर्ती किया है, CHO को, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को, तो सब कुछ तैयारी है हमारी, कोई दिक्कत नहीं, घबराए नहीं जनता, पूरी सरकार आपके साथ खड़ी है,
पर वैक्सीनेशन में आप लोग जोर ध्यान रखें कि सरकार के डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट कुछ बनाएगा, प्रोटोकॉल बनाएगा, क्योंकि लाइनें लंबी लंबी लग गई, दो चार घंटे इंजॉय करना पड़ा, वो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि आराम से आके वैक्सीन लग जाए, कोई धक्का मुक्की नहीं हो, पास पास खड़े नहीं रहे, वरना फिर वो और फैलवा देंगे, संक्रमित हो जाएंगे। सोशल डिस्टेंस रखें। अभी हम देखते हैं कि जगह लाइन लगी हुई है तो सब पास पास में खड़े हैं, वहाँ पर वो नहीं होना चाहिए। आप लोग गाँव हो या शहर हो, कोई सेंटर हो, वहाँ पर दूर दूर खड़ा करना पड़ेगा लोगों को। और पहले इतना हो गया अभी घरों में, वो आए वहाँ पर आए। अगर ये सिस्टम में आप साथ दोगे तो मुझे उम्मीद है कि अगर वैक्सीन पूरी मिल गई हमें तो दो महीने में राजस्थान में कैपेसिटी है पूरे प्रदेश का जो प्रोटोकॉल है 70-80% का, हम सबको लगा सकते हैं। ऐसी कैपेसिटी हम लोगों ने पैदा कर रखी राजस्थान के अंदर। मेरे ख्याल 60,000 के आसपास केंद्र काफ़ी बड़ी संख्या में खोल दिए हमने यहाँ पर, और उसी रूप में तैयारी पूरी है। जो इस बात की कॉपरेट करे जनता, अगर एक साथ में भीड़ लग गई, कॉम्पिटिशन हो गया, तो मैं समझता हूँ 20,000 केंद्र राजस्थान में बन चुके हैं। एक बार और है, पहले आपने शिकायत कही थी कई लोगों ने कि शहरों के लोग आगे गांव में लगवा लेते हैं और गांव वाले चूक लगा नहीं पाते हैं, वो नहीं सिस्टम है। हमने एरिया बांट दिया है, उन एरिया के लोगों को वैक्सीन लगेगी, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई तकलीफ नहीं आई आनी चाहिए किसी को, सब एक दूसरे कॉपरेट करे, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसी बात को कहते मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ, और मैं आपका आह्वान करता हूँ कि कृपा करके आप लोग राजनीति और ये धर्म और जाति से पीछे छोड़ते हुए हमें मानवता की सेवा करनी है, ये आह्वान करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग आपके दिए गए निर्देशों की पालना के लिए और वैक्सीनेशन और कोविड मैनेजमेंट के लिए माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय के नेतृत्व में पूरी तरह से तैयार है और आगे भी ऐसे ही कार्य करता रहेगा जैसे पहले किया है। अब मैं अंत में धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा माननीय चिकित्सा राज्य मंत्री श्री सुभाष गर्ग जी को। माननीय श्री गहलोत साहब, लोकप्रिय मुख्यमंत्री राजस्थान प्रदेश, इस अवसर पर जुड़े हुए हमारे राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष परम सम्माननीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब, हमारे चिकित्सा मंत्री आदरणीय श्री रघु शर्मा जी, श्री शांति धारीवाल जी, श्री गोविंद डोटरासा जी, श्री भंवर सिंह भाटी जी, श्री अशोक चांदना जी, इस अवसर पर जुड़े हुए अन्य मंत्रीगण के साथीगण, MLA साहिबान, हमारे राजस्थान सरकार के समस्त अधिकारीगण, और इस BC के माध्यम से जुड़े हुए हमारे सरपंच साहिबान, प्रधान, जिला प्रमुख, वार्ड पंच, NSS के लोग, स्काउट्स के लोग, NCC के लोग, सर्वप्रथम तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज फिर पूरे देश में एक नई पहल करते हुए और जो कोरोना वैक्सीनेशन अभियान की एक शुरुआत आज आपने की है, जिसमें आपने एक नीचे स्तर तक का जो हमारा लोकतंत्र का प्रमुख प्रहरी है वार्ड पंच, उसको भी इनवाइट किया इस BC के माध्यम से, और आपने सारी जानकारी आपने दी, हमारे विभाग के अधिकारियों ने दी, हमारे जो मंत्रीगण हैं उन्होंने दी, चिकित्सा मंत्री जी ने दी, और CP जोशी साहब ने भी अपना एक आइडिया जो एक दिया डाटा एनालिसिस का और उसका यूज़ करने का, और डॉक्टर साहिबान सुधीर भंडारी जी, वीरेंद्र सिंह जी, राजाबाबू पवार साहब, इन सब ने दिया। और मुझे निश्चित रूप से गर्व भी होता है जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच, और ये कहा अभी मैं देखा साहब लोगों को सुना भी है कि एक संकल्प जिस तरह से आपने निरोगी राजस्थान का लिया, और उसी रूप में जीवन रक्षक के रूप में कि प्रत्येक व्यक्ति की जीवन रक्षा का दायित्व आपका है, मुख्यमंत्री जी का है, और उसी रूप में आपने पूरी मशीनरी को प्रयोग करते हुए, पूरी मशीनरी को एक्टिवेट करते हुए निचले स्तर के अधिकारी को, चाहे वो पटवारी है, चाहे सेक्रेटरीज है, हमारे टीचर्स हैं, उन सबको जोड़ते हुए और पूरे देश दुनिया में एक ऐसा मॉडल दिया जिसके वजह से केंद्र को बदनाम करने की साजिश करनी पड़ी राजस्थान सरकार को। वो भयभीत हो गए इस प्रबंधन से, इस नियंत्रण से, आपके प्रयासों से, और जो सहयोग मिला इस प्रदेश की जनता को,
जनता का आपको प्रत्येक अभियान में उससे भयभूत होकर के और एक बदनाम करने की कोशिश की गई राजस्थान की सरकार को, चाहे वो कोरोना के प्रबंधन को लेकर चलें, वैक्सीनेशन के बारे में आपने कहा। मैं अपने वार्ड पंचों से आह्वान करना चाहूँगा, सरपंचों से आह्वान करना चाहूँगा, आपने बात सुनी किस तरह से झूठा आरोप राजस्थान सरकार के ऊपर लगाया कि साहब 10% से अधिक जो है वैक्सीनेशन नष्ट किया, वही माननीय मुख्यमंत्री जी बता रहे थे, जबकि हमारा औसत अन्य राज्यों के मुकाबले काफी कम था नुकसान का। किस तरह से गलत नीतियों की, केंद्र की गलत नीतियों के वजह से हमारी प्रदेश की जनता को ही नहीं देश की जनता को परिणाम भुगतना पड़ा, युवाओं को परिणाम भुगतना पड़ा, और इस बार जो डेथ रेट हुई वो बहुत ज्यादा हुई। वो इसलिए पॉलिसी में आए दिन परिवर्तन कर रही थी केंद्र, वैक्सीनेशन में पूरा प्रबंध मैं सभी वार्ड सरपंचों से सरपंच साहिबानों से कहना चाहूंगा कि इस वैक्सीनेशन अभियान की जो शुरुआत की गई है उसमें अधिक से अधिक बढ़ चढ़ करके हमें हिस्सा लेना है, साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल का भी पालन करना है। साथ ही जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं का उदाहरण दिया कि दो वैक्सीनेशन लगने के बाद वो खुद पीड़ित हो गए और पीड़ित होने के बाद जो है ये स्थिति आई कि वो माइल्ड रहा जिसकी वजह से कोई खतरा नहीं हुआ। तो आपको ये आह्वान कर रहे हैं अपना उदाहरण दे करके, हमको सजगता सतर्कता बरतते हुए गाँव को इस तरह का मॉडल बनाना है कि प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीनेशन हो जाए। सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है, जब केंद्र सरकार ने मना कर दी तो 3,000 करोड़ रुपए का खजाना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के लिए खोल दिया और मजबूरन देर आए दुरुस्त आए माननीय प्रधानमंत्री जी, और मजबूरन दबाव में, और वो दबाव केवल राजस्थान प्रदेश का था, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का था। और सोच और फिर जब सुप्रीम कोर्ट में अपील PIL हुई तब वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जज साहिबान को, आपको सबको मालूम है, मैं उस पर नहीं बोलना चाहूंगा, तब जाकर के वो निर्णय करना पड़ा। तो ऐसी सोच के साथ जब कोरोना का प्रबंधन केंद्र स्तर पर फेल हुआ, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री ने और हमारी सरकार ने इस प्रबंधन को फेल नहीं होने दिया और हर क्षेत्र में हर पैरामीटर पर हमने अच्छा स्थान पाया। हम अगले 1-2 प्रदेशों में रहे, पूरे देश में प्रत्येक पैरामीटर, चाहे वो वैक्सीनेशन का हो, कोरोना लॉकडाउन का हो, किसी भी चीज का हो, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने डॉक्टर साहिबान का, पैरामेडिकल स्टाफ का, सारे मंत्रीगण साहिबानों का, और विशेष रूप से हमारे चिकित्सा मंत्री और शिक्षा चिकित्सा विभाग के जो हमारे अधिकारीगण रात दिन लगे हुए हैं, अन्य अधिकारीगण भी, चाहे वो हमारे मुख्य सचिव हो, चीफ सेक्रेटरीज हो, सभी लोग और मंत्रीगण जो लगे हुए हैं, एक ऐसा मॉडल हमने प्रस्तुत किया और मुझे उम्मीद है कि आपके नेतृत्व में राजस्थान प्रदेश पूरा संरक्षित है, रक्षित है, कहीं भी किसी चीज की आप कमी आने नहीं देंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का पुनः पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं और जो हमारे पंचायत स्तर के प्रतिनिधि हैं उनका विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने जो जन सहभागिता दिखाई है, हर पंचायत को, हर गांव को आगे लाने की कोशिश करें, और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पैकेज दिया और लोगों के लिए, चाहे हमारी विधवा बहनें थी, चाहे वो हमारे बच्चे जो अनाथ हो गए, उसी तरह से पंचायत को भी पैकेज देने की बात कही है कि जो पंचायत सबसे अच्छा वैक्सीनेशन में मॉडल उदाहरण प्रस्तुत करेगी उसको अलग से बजट देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। सर आपकी अनुमति हो तो इस आज की VC को समाप्त किया जाए। Your meeting has ended.